हेलो एवरीवन स्वागत है दोस्तों सबका अ वेरी गुड मॉर्निंग जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आज जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज का डिस्कशन होने वाला है टोटल के मैप पे और थोड़ा सा इसमें मसाला भी लगाते हैं यार कुछ एक्स्ट्रा तो देने की आदत है ही तो हम खाली के मैप ही नहीं दोस्तों के मैप के साथ साथ मैं बेसिक पार्ट ऑफ बुलियन अलजेब्रा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं बुलियन अलजेब्रा की भी डिस्कशन करूंगा तो हम के मैप और बुलियन दोनों का ही डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर एवरी वन सो वंस अगेन वेलकम टू द सेशन एक्साइटेड है कि नहीं सबके सब एक बार बता दो यार जल्दी से क्या बोल रहे ग्रुप क्रिएट करता हूं आ, कर दो बेटा कर दो कोई बात नहीं जो भी क्रिएट करना है कर दो कोई दिक्कत नहीं बहुत ही बढ़िया सो so, जल्दी से शुरुआत कर दें क्या डीपीपी के लिए पूछा गया कुछ चीजें और बता देता हूं मैं डीपीपी uh, वन और डीपीपी टू अपलोड हो चुकी है डीपीपी थ्री यानी के मैप का जो डीपीपी होगा वो जस्ट क्लास के बाद ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगा डीपीपी टू का सॉल्यूशन आज मैं करवा दूंगा वन का सॉल्यूशन जो है वो मैं कल करूंगा क्योंकि वन के अंदर बच्चे आ, कुछ बच्चों को मिला ही नहीं था वो डीपीपी रात को आया बोला सर टू तो मिल रहा है वन मिल ही नहीं रहा है मैंने बोला मैं कल करवा देता हूं तो बच्चे ने बोला नहीं सर रुकी एक अटेम्प और मार डे दीजिए फिर आप करवाइएगा तो कुछ क्वेश्चन मैं फिर भी लेके आया हूं मैं डिस्कशन करूंगा और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा हम क्लास के अंदर डिस्कशन कर लेंगे वन सेकेंड एवरी एप के ऊपर सचिन भाई तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन का ओके okay. और हमेशा जैसा कि मैं सेशन की शुरुआत ही करता हूं किससे थोड़ा सा मोटिवेशनल कोटेशन से थोड़ी एनर्जी के साथ तो दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती नन्नी चीटी दाना लेकर चढ़ती है चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर सौ बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना अखड़ता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार कार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब की जो ये कुछ पंक्तियां थी उससे हम शुरुआत करते हैं बीएससी के लिए प्रहलाद देखो बीएससी का मैंने पता कर लिया दोस्तों जो बीएससी के स्टूडेंट हैं वो भी गेट का एग्जाम लिख सकते हैं बट उनका बीएससी कंप्लीट हो जाना चाहिए 2023 के अंदर अगर आपका 2023 के अंदर अगर आपका 2023 के अंदर अगर आपका कंप्लीट हो रहा है बीएससी यानी आप अगर अभी फाइनल ईयर में हैं तो डेफिनेटली यानी थर्ड ईयर में हैं तो डेफिनेटली आप गेट का एग्जाम गेट टू का फॉर्म भर सकते हैं यानी जो बी एस सी सेकेंड ईयर वाले हैं वो नहीं भर सकते हैं जो बी एस सी थर्ड ईयर वाले हैं वो भर सकते हैं चाहे आप फिजिक्स के क्यों ना हो सो so, शुरुआत कर दे एवरी एक बार जल्दी से यार जोश कैसा सबका एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाउ इज द जोश एवरी वन सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन दोस्तों एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपका दोस्त भाई मेरा नाम है चंदन झा मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट को डबल डिजिट रैंक के साथ क्लियर किया है दोस्तों जैसे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 है ऑल इंडिया रैंक 26 है मैंने इसरो एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है मेंटर्ड मोर देन वन लैख स्टूडेंट राइट इन ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर इसके अलावा दोस्तों मोटिवेशनल सेशन भी लेता हूं लगभग टू फिफ्टी से ज्यादा मोर देन टू फिफ्टी सेशन मोटिवेशनल सेशन में ले चुका हूं इन वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग एनआईटी एंड कुछ आई के अंदर भी मैं सेशन ले चुका हूं तो शुरुआत करते हैं हाई सर हाई सर यार एक बार जोश थोड़ा ठंडा लग रहा है यार आज ऐसे मजा नहीं आएगा विष्णु भाई जी गोड़ लगे जाऊ बहुत बढ़िया तो देखो सबसे पहले बोलेन ललजेबरा की बात करते हैं सीएस ब्रांच में भी है शुभम डीपीबी राइट अब देखो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं दोस्तों 1854 की बात है एक साइंटिस्ट था मैथमेटिशियन था एक्चुअली जिसका नाम था जॉर्ज ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको ये अंकल जी जॉर्ज बूली हैं इन्होंने अपनी एक बुक एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ ऑफ थॉट इसके अंदर इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया क्या ऑब्जर्व किया तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं इन्होंने यह ऑब्जर्व किया दोस्तों कि मान लीजिए कोई दो फंक्शन लेता हूं सबसे पहले फंक्शन होता क्या है तो ये वो कॉम्बिनेशन है इनपुट का जिसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है द बुलियन फंक्शन इज नथिंग इट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन विच द आउटपुट विल डिपेंड कैसे तो देखते हैं अभी समझिएगा टीटीएल बहुत बढ़िया हां डीपीपी भी करवाऊंगा भाई आज डीपीपी भी सॉल्व करेंगे टेंशन मत लो मान लीजिए मैंने दो एग्जाम्पल ले रहा हूं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एफ ऑफ ए कॉमा बी पर ध्यान से समझना पेशेंस लेवल होना चाहिए ध्यान रखना अगर मैंने बोला ये लिख दिया ए बी और मैंने बोला इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे सर एक ए चाहिए होगा एक बी चाहिए होगा एक एंड गेट चाहिए होगा ये चीज है ये ए है ये बी है तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए डॉट बी बड़ा सिंपल सा खेल है, है कि नहीं हाँ कल की भी अच्छा इसका मतलब हमेशा और अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे अगर मैंने एग्जाम्पल टू ले लिया और एग्जाम्पल टू लिया मैंने ऐसा ए बी और मैंने लिख दिया ए बार बी प्लस ए बी मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया और इसको अगर मैंने इंप्लीमेंट मैंने मिनिमाइज नहीं किया सिंपल इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा हूं विदाउट मिनिमाइजेशन मैं इसकी किसकी बात कर रहा हूं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो देखो कैसा बनेगा ये तो ए बार है ये ए एक बी चाहिए होगा ये बी मैंने मिनिमाइज नहीं किया अभी तक सीधा सीधा इंप्लीमेंट कर रहा हूं एक ए बी चाहिए होगा ए और ये आपका एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी यही बनेगा जी सर बिल्कुल एक फंक्शन ये बन गया एक फंक्शन ये बन गया हा हाँ, निशू के मैप भी होगा और बुलियन बुलियनबरा भी होगा दोनों ही होगा आज की क्लास में राइट अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों क्या समझने की कोशिश करेंगे एक बार everyone? बिल्कुल धीरज धन्यवाद अब देखो यार दोस्तों अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है सर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ये ब्रैकेट में जितने लिखे होते हैं उतने वेरिएबल्स होते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं सर ए और बी ये दो वेरिएबल है इस फंक्शन के पास अच्छा और ये आपके पास एक टर्म है अगर एसओपी में लिखा हुआ तो इसको हम टर्म बोलते हैं ऐसे ही अगर मैं इसकी भी बात करता हूं एग्जाम्पल टू का तो इसमें भी कितने वेरिएबल है सर यह दो वेरिएबल का फंक्शन है दो वेरिएबल का फंक्शन है पर इसके पास अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं तो ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है राइट तो इसके पास दो टर्म्स हैं अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज मैं बोल रहा हूं कि सर ये फंक्शन छोटा सा था तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट थी ये फंक्शन है तो दो ही वेरिएबल का पर फंक्शन थोड़ा लेंदी हमने मिनिमाइज नहीं किया अभी फंक्शन थोड़ा लेंदी है अगर फंक्शन लेंदी है तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी दिखाई दे रहा होगा हार्डवेयर ज्यादा चाहिए होंगे यहां पर कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट थी यहां पर ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है इसका मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गई बड़ी सिंपल सी क्या कि सर जैसे जैसे एक्सप्रेशन लेंदी होता जाएगा जैसे जैसे एक्सप्रेशन लेंदी होता जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर भी ज्यादा चाहिए होंगे और हार्डवेयर अगर ज्यादा चाहिए होगा तो सर्किट कॉस्टली भी होगा सर्किट में डिले भी ज्यादा होगा सर्किट कॉम्प्लेक्स भी होगा बिल्कुल सही बात है सर जिसका मतलब जैसे जैसे फंक्शन बड़े होते जाएंगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ही ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा डिले होगा क्या ये सब चीजें हमको हमको चाहिए चाहिए क्या क्या सर नहीं चाहिए। हमको क्या करना है सर हमको तो डिले कम चाहिए हमको तो कॉस्ट कम लगाना है हमको तो कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहिए सर तो हम इसकी प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज कर सकते इस प्रॉब्लम को राइट right? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा लर्नर अगर लास्ट लेक्चर एक चीज और बता दू जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है उनको भी आज की क्लास समझ में आएगी आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लास है इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब दोस्तों हम चाहते क्या ये सब कम हो और अगर ये हम सब कम होंगे करना है तो फंक्शन को पहले कम करो छोटा करो फंक्शन को अगर छोटा करो मतलब क्या करो पहले मिनिमाइज करो मिनिमाइज करो और यही मिनिमाइजेशन के बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास जिससे आप फंक्शन को क्या करते हो मिनिमाइज करते हो दोस्तों कौन कौन से फंक्शन को तो समझिएगा कौन कौन से ऐसे टूल है जो मिनिमाइज करने का काम करता है तो सबसे पहला टूल है देखो बुलियन अलजेब्रा एक है आपके पास बुलियन अलजेब्रा एक है आपके पास के मैप कर्न ऑफ मैप एक है आपके पास टेबुलेशन मेथड क्विन मेस्कलेस की मैथड राइट इसको टेबुलेशन ही बोल देता हूं मैं टेबुलेशन मेथड इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं दोस्तों पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम ये दो चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेजरली हम डिस्कशन करेंगे के मैप का और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मतलब दोस्तों अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारा अभी डिस्कशन भूरियन अलजेबरा है जस्ट थोड़ी देर बाद हम के मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे अब सबसे पहले बुलियन अल्जेबरा के रूल को समझने से पहले हम देखते हैं फंक्शन को लिखते कैसे हैं ध्यान से समझना अगर फंक्शन को लिखने का तरीका अगर आपको देखना है कैसे लिखते हैं वो चीज समझ लीजिए सर अगर लिखने का तरीका आपको समझना है तो जैसे आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको पढ़े होंगे आपको आइडिया होगा ही जैसे मैंने लिख दिया वन ये है वन ये है टू ये है फोर राइट ये है एट एट फोर टू वन इसको कोड बोलते हैं मान लीजिए आपको जीरो को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में तो आप क्या लिखोगे जीरो 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 अगर आपको वन को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे जीरो 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 वन अगर आपको टू को लिखना है तो कैसे लिखोगे टू यहां है इधर वेट दे दिया बाकी के सबको जीरो कर दिया थ्री को लिखोगे तो दो और एक से मिलकर बनेगा थ्री तो ये दो चाहिए होगा एक थ्री चाहिए होगा फोर को लिखोगे तो कैसे बनेगा सर यही खाली फोर है यहां वन लगा दिया बाकी के सबको जीरो लगा दिया इट right? अगर फाइव को लिखोगे तो कैसे लिखोगे सर चार प्लस एक पद से पांच बनेगा चार और एक पांच इस तरीके से आपको पूरा लिखना है इसका मतलब दोस्तों अगर मैं सिंपल लिखूं पहले डेसिमल तो जीरो वन, फोर, सेवन लिख दिया मैंने अप टू लिख दिया अब क्या कर रहा हूं सर अब मैंने एबीसी तीन वेरिएबल का फंक्शन लिखा राइट जिसमें लिखा मैंने जीरो 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 टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है और सेवन है ये चीजें लिख दी मैंने हाँ, चार का पंद्रह तक होगा जीरो से पंद्रह राइट बहुत ही बढ़िया अब किसी भी दुनिया के फंक्शन को लिखने के दो तरीके दुनिया के कोई भी अगर फंक्शन हो आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो पहला तरीका है जिसको लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा तरीका है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम एसओपी और पीओएस ये सब सचिन ऐप के ऊपर मिलेगा सर सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या मतलब है सम अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से समझिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है मीन टर्म अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करता हूं तो इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है मैक्स टर्म सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है टर्म्स का क्या मतलब है समझो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए मैंने लिखा ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ए बी और मैं लिखा ए बी प्लस ए बी बार तो हम इस फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं सर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है और ये एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि पहले प्रोडक्ट होगा फिर उसका सम होगा तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और सम ऑफ प्रोडक्ट के पास कितने टर्म्स हैं सर ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है यही चीज अगर मैं मैक्स टर्म में बात करता हूं तो समझिएगा अगर मैं दो वेरिएबल ले लूं ए बी और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से ए बार प्लस बी ए प्लस बी बार तो यह है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट किसका सम का पहले सम हुआ है फिर प्रोडक्ट हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ सम अब इसमें भी कितने टर्म्स हैं सर दो टर्म्स हैं इसमें इसको टर्म बोलते हैं ये है टर्म वन और ये है टर्म दो टर्म है एक टर्म वन और दूसरा टर्म टू बहुत ही बढ़िया है. अब देखो सर कैसे लिखा जाता है मिनटम और मैक्सम ये तो समझ में आ गया सर दो बातें तो समझ में आ गई सर कि दुनिया में कोई भी फंक्शन होंगे उसके दो तरीके हैं लिखने के एक एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट दूसरा पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम एसओपी के जो टर्म्स होते हैं उसको मिनटम बोला जाता है पीओएस के जो टर्म्स होते हैं उसको मैक्सटम बोला जाता है और एक चीज और मिनटम और मैक्सटम आपस में कॉम्प्लीमेंट होते मिनटम कॉम्प्लीमेंट होते हैं किसके टर्म के अच्छा आज के क्लास में एक और क्रांतिकारी चीज होने वाली बता देता हूं क्या वो क्रांतिकारी होने वाली, रूल दे हैं, के, और अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो मैप में पर सबसे खास बात है वो इतने रूल मुझे याद नहीं है मुझे सिर्फ एक ही रूल याद है और एक रूल की मदद से आप सारे के सारे के को सॉल्व कर सकते हो बस एक रूल आपको ध्यान रखना होगा बात समझ आ रही यानी फोर्टीन रूल को अगर मैं एक रूल के अंदर दे रहा हूं तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा वो रूल यानी सिर्फ एक लाइन याद रखनी है सारे के मैप के क्वेश्चन ऐसे निपटा दोगे राइट और वो रूल आया कहां से क्या चीज है वो सब डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन के अंदर ये जो पूछ रहे प्रतीक भाई ये ईसी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस आईटी इन सब ब्रांच के लिए ये सेशन राइट दोस्तों को भी बता देना भाई तो मिनटर्म और आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे तो मैंने लिखा जीरो, जीरो से लेकर जीरो से लेकर सात तक मैंने तीन वेरिएबल का मैंने ये एबीसी लिख दिया अब अगर मिनटर्मस में अगर लिखना है फंक्शंस को तो हमेशा ध्यान रखना टर्म में जीरो का मतलब होता है बार वन का मतलब होता है एज इट इज वेरिएबल और बीच में डॉट लगाया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लिखोगे तो मैं लिख सकता हूं ए बार फिर दूसरा डॉट फिर अगला क्या है जीरो ही है तो बी बार अगला जीरो ही है तो सी बार राइट right? इसी तरीके से इसी तरीके से राइट right? अगर जीरो देखो वापस जीरो आया तो इसको मीन टर्म्स में लिखोगे तो ए बार फिर जीरो है तो बी बार देखो जीरो है और वन तो एज इट इज वेरिएबल सी अगर इसको लिखोगे तो जीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट वन का मतलब एज इट इज और जीरो का मतलब अगेन फिर से कॉम्प्लीमेंट अच्छा जीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट वन का मतलब एज इट इज वेरिएबल वन का मतलब फिर से एज इट इज वेरिएबल इसका लिखोगे ए वन आया तो देखो सीधा ए फिर दो जीरो है यानी बी बार सी बार इसका लिखोगे तो देखो ए जीरो तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया फिर से वन तो एज इट इज वेरिएबल इसका लिखोगे तो वन ए इसका फिर से लिखोगे तो ये बी और जीरो है तो सी बार और इधर तीनों वन है तो ए डॉट बी डॉट सी अरे समझ में आया क्या एक बार सबके सब कमेंट बॉक्स में लिख दो बहुत बढ़िया सौरभ अभी चीजें थोड़ी सी यहां से शुरू किया है बेटा अभी जो टॉपिक चल रहा है ना वो ओली ले 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 वाला क्यूट क्यूट सा टॉपिक चल रहा है डिजिटल का अभी थोड़ी देर बाद यही टॉपिक हुआ करता हुआ आएगा आपके सामने है ना तो अभी बड़े क्यूट क्यूट से टॉपिक चल रहे हैं ये चीज समझ में आ गया एक बार सबके सब कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये सर सर यस ये कोई फंक्शन लिखा हो कुछ लिखा हो उसको टर्म्स में कैसे लिखते हैं ये हमको पता चल गया अब बात अगर मैक्स टर्म की करते हैं दोस्तों अगर टर्म के अलावा अगर मैं मैक्स टर्म की बात करता हूं तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा मैक्स टर्म में उल्टा टर्म क्या है तो कॉम्प्लीमेंट कर दो मैक्स टर्म हो जाएगा या फिर जीरो का मतलब वेरिएबल वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल जीरो का मतलब एज इट इज वेरिएबल वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल और डॉट की जगह लगाएंगे प्लस इसका मतलब दोस्तों इसको अगर लिखोगे तो ये ए प्लस क्योंकि जीरो का एज इट इज वेरिएबल है मेक्स्ट्रम में ये जीरो तो एज इट इज और ये जीरो तो एज इट इज इधर लिखोगे तो ये बन गया ए प्लस ये बन गया आपके पास बी और फिर ये बन गया सी बार नेक्स्ट लिखोगे ये तो ये बन गया ए प्लस वन है यानी कॉम्प्लीमेंट जीरो है तो एज इट इज वेरिएबल इसका लिखोगे जीरो का मतलब एज इट इज वेरिएबल दो वन है वन का मतलब इस बार कॉम्प्लीमेंट होता है फिर से अगर मैं लिखता हूं इसका मतलब ये ए बार प्लस, दो जीरो है मतलब एज इट इज वेरिएबल यहां लिखोगे तो सर वन का मतलब कॉम्प्लीमेंट बी एज इट इज सी बार इसका लिखोगे दोनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे सी इसका लिखोगे तीनों कॉम्प्लीमेंट आएगा ये चीज हमने लिख दिया राइट right? अच्छा अब देखो यार दोस्तों अगर ये चीज लिख दिया इसका मतलब सर हमें ये पता चल गया कि या कोई एबीसी करके अगर कोई कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है राइट right, बाइनरी में तो उसको मिन टर्म्स में कैसे लिखते हैं उसको टर्म में कैसे लिखते हैं ये तो हमको पता चल गया सर अब एक चीज ध्यान रखना अब एक चीज ध्यान रखना यहां एक फंक्शन लिखना उठी जस्ट एग्जाम्पल इसका कोई लॉजिक नहीं है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मन से बना के लिख रहा हूं क्योंकि यह जब भी मैं कराता हूं बच्चे बार बार पूछते सर यह कहां से आया इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों यह मैं अपने मन से लिख रहा हूं सर क्या लिख रहा हूं मन से कुछ भी लिख देता हूं वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो और लिख दिया मैंने वन फिर से बता दूं सर यह कैसे लिखा है आपने इसका कोई लॉजिक नहीं यह मैंने अभी मन से लिखा है राइट right, यह मैंने मन से लिखा है अब क्वेश्चन यह बनता है कि सर ऐसे फंक्शन को अब कभी भी किसी फंक्शन को इस फंक्शन को लिखना है तो आपके पास दो तरीके के लिखने के या तो एसओपी में लिख लो या फिर पीओएस में लिख लो सर या तो एसओपी में लिख लो या फिर पीओएस में लिख लो अगर मैं इस फंक्शन को एसओपी में लिखता हूं दोस्तों इसी फंक्शन को तो एक रूल कहता है स्टैंडर्ड कैनोनिकल क्या मतलब होता है वो बताता हूं एक बार ध्यान से रुको पहले स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म अब थोड़ा ध्यान से समझना सबके सब सर स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म एसओपी फॉर्म में हमेशा वन के लिए फंक्शन को लिखा जाता है स्टैंड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में हमेशा वन के लिए फंक्शन को लिखा जाता है इन द टर्म्स ऑफ मीन टर्म इन द टर्म्स ऑफ मीन टर्म यानी आपको मीन फॉर्म में फॉर्मेट टर्म को सेलेक्ट करोगे और फंक्शन के वन के लिए लिखोगे तो वन यहां है क्या? Bar, bar, bar. तो हम लिख सकते हैं बार बी बार सी बार प्लस दूसरा वन का है दोस्तों ये रहा इसमें मिनटर्म क्या है ए बार बी सी तो अगले में लिख दिया ए बार बी सी प्लस अगला वन कहा है दोस्तों ये रहा इसमें क्या है मिंटम ए बी बार सी बार अगला मिंटम्स कहा है दोस्तों ये रहा इसमें क्या है ए बी सी ये लिख दिया मैंने इसका मतलब इसका मतलब समझो एक बार इसका मतलब क्या है सर ये तो एसओपी एक्सप्रेशन हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हो गया पर सर ये स्टैंडर्ड कैनोनिकल का क्या मतलब था स्टैंडर्ड कैनोनिकल को समझने के लिए दोस्तों अगर आप इस पर भावुक होंगे तो ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है कितने वेरिएबल का फंक्शन है सर तीन वेरिएबल का फंक्शन है और हर एक टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है देखो एक बार गौर से देखो देखो इसे देखो कितने वन टू थ्री इस टर्म के पास भी तीन वेरिएबल है एक दो तीन इस टर्म के पास भी तीन वेरिएबल है एक दो तीन इस टर्म्स के पास भी तीन वेरिएबल है वन टू थ्री दिस टर्म ऑल्सो कंसिस्ट थ्री वेरिएबल इफ ईच टर्म इफ ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल देन दैट फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म जब सारे के सारे टर्म्स के पास सारे के सारे वेरिएबल होते हैं तो हम उस केस में दोस्तों उसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं अब वो एसओपी भी हो सकता है और पीओ भी हो सकता है अभी मैंने एसओपी का बताया अब अगर इतनी चीजें इसको मैं चाहूं तो इसका क्या मतलब है सर ये है एम जीरो 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 बार का मतलब जीरो एम जीरो क्योंकि मिंटम है स्मॉल एम लिखा मैंने जीरो वन वन यानी थ्री देखो ना जीरो वन वन का मतलब थ्री होता है वन जीरो जीरो मतलब चार और ये क्या है वन 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 मतलब सात देखो इधर जीरो 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 था इसका मतलब वन था अगला देखो ये क्या है जीरो वन वन यानी थ्री था अगला क्या है वन जीरो जीरो यानी फोर था अगला वन 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 मतलब क्या था सात था वन 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 मतलब ये वन 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 सात था डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बने बनेंगे समर्थ आज ही होगा डीपीपी का क्वेश्चन भी भाई कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है जब सारे के सारे टर्म्स के पास सारे के सारे वेरिएबल होते हैं तो उसको कैनोनिकल फॉर्म बोला जाता है अब समझो एक बार दोस्तों अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जीरो थ्री फोर सेवन ऐसा भी लिख सकते हैं और आजकल लोग बात थोड़े फैशनेबल हो गए एम भी हटा देते खाली समीशन लिखते हैं जीरो थ्री फोर सेवन जीरो थ्री फोर सेवन आजकल सारे लोग क्या हो गए ग्रीक <laughs> अब देखो यार दोस्तों ये तो मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म समझ में आया क्या एक बार सबके सब बता दो यार यस 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 अभिषेक क्या मुझे एक बार सबके सब बता दो स्टैंडर्ड कैनोनिकल समझ में आया क्या कि सर सारे के सारे टर्म्स के पास जब सारे के सारे वेरिएबल होते हैं तो इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल बोलते हैं और कैसे लिखा जाता है एसओपी फॉर्म की फॉर्म में वन के लिए सेलेक्ट किया जाता है और मीन टर्म्स की फॉर्म में लिखा जाता है ये चीज बता दी एक बार सबके सब कमेंट बॉक्स में लिख दो यार ऐसे ही एक चीज और हो सकती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म स्टैंडर्ड कैनो कैनोनिकल पीओएस फॉर्म यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे साइनिंग बहुत बढ़िया कैनोनिकल नो 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 फॉर पी आल्सो नो इश्यूज अब बताया था दोस्तों अब आगे चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एसओपी की तो डिस्कशन कर लिया पीओ की भी डिस्कशन कर लेते हैं पीओएस में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना एक चीज पीओ में हमेशा ध्यान रखना जीरो के लिए फंक्शन के लिए सेलेक्ट किया जाता है जीरो के लिए जीरो के लिए, लिए, लिए लिखा जाता है और सर टर्म्स कौन से होते हैं मैक्स टर्म होते हैं जीरो के लिए सेलेक्ट करना है मैक्स टर्म होगा तो अगर पीओ एस फॉर्म में लिखोगे तो ये रहा क्या है ए प्लस बी प्लस सी बार तो आपने लिखा ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट अगला जीरो का है ये रहा इसके लिए मैक्सिमम क्या है ए प्लस बी बार प्लस सी ए प्लस बी बार प्लस सी अगला कहा है जीरो ये रहा ए बार प्लस बी प्लस सी बार ए बार प्लस बी प्लस सी बार अगला जीरो है दोस्तों ये रहा इसके लिए क्या ए बार बी बार सी ए बार प्लस बी बार प्लस सी ये लिख दिया आपने सूरज बिल्कुल चेंज होगा अभी वो रेंडम नहीं ले ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए लिया है कैसे फंक्शन लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद है ना अब देखो एक चीज सर यहां पर अगर बात करोगे तो देखो इसके पास भी तीन वेरिएबल है इसके पास भी चार टर्म्स है वन टू थ्री फोर चार टर्म है एक दो तीन चार और हर एक टर्म्स के पास सारे के सारे वेरिएबल है देखो ए बी सी इसके भी हर टर्म्स के पास सारे वेरिएबल है इसके भी हर टर्म्स के पास सारे वेरिएबल है इसके भी हर टर्म्स के पास सारे वेरिएबल है और जब सारे के सारे टर्म्स के पास जब सारे के सारे वेरिएबल होते हैं तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म तो दिस इज आल्सो इन द स्टैंडर्ड कैनोनिकल बट प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट हो रहा है किसका सम का राइट right? तो ये चीज क्लियर हो गई अच्छा ये है वन वन जीरो वन वन जीरो का मतलब देखो या सॉरी जीरो जीरो वन यानी ये M1 है इसको मैंने कैपिटल में M1 लिख दिया इसको सर जीरो वन जीरो यानी टू इसका सर वन जीरो वन यानी देखो जीरो यानी ये क्या है ये सॉरी वन है जीरो है वन है यानी पांच इसको लिखोगे तो वन वन जीरो यानी सिक्स सिक्स का लिखा गया है। यही चीज अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है पाए और फिर एम लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम है तो वन टू फाइव और सिक्स और आजकल लोग थोड़े फैशनेबल हो गए एम भी हटा देते हैं पाए वन टू फाइव सिक्स बहुत ही बढ़िया तो ये हमने दो चीजें देखी है कि सर एसओपी फॉर्म क्या है पीओएस फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड कैनोनिकल का क्या मतलब होता है और कैसे कोई फंक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इतनी चीजें क्लियर हो गई अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अगले पड़ाव में चलते हैं, पर एक बार सब सब, एक बार बार कमेंट बॉक्स में सबके सब लिख के बता दो कि सर क्लियर अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार सबके सब कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर कोई भी फंक्शन को कैसे लिखा फंक्शन मतलब दे रखा हो तो उसको एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में स्टैंडर्ड कैनोनिकल की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये सर मुझे आ गया है आ गया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यार जल्दी से एवरी क्विकली 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 सबके सब लिखेंगे भाई क्लियर है तो अब बात करते हैं सर ये तो मैंने कुछ लिखा एसओपी और पीओएस में कैसे लिखते हैं अब बात करते हैं डिस्कशन का और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद क्लियर 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 बहुत बढ़िया बिल्कुल, बिल्कुल 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 अब आगे बढ़ते हैं और के देखो बुलियन अलजेवरा में भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं पर इतने याद करने की जरूरत नहीं मैं सिर्फ तीन थ्योरम्स और एक लॉ बताऊंगा ये चार चीजों के बेसिस पे हम कोई भी के मैप के क्वेश्चन जो है ना मतलब कोई भी बोलिया के क्वेश्चन को निपटा सकते हैं ऐसे तो सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं अब कॉपी पेन पे ध्यान से समझना बेटा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं अब कौन सा थ्योरम चल रहा है सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की बात करते हैं सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का क्या मतलब है समझिएगा अगर मैंने कभी भी लिख दिया ए प्लस बी ए प्लस सी मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है और मुझे इसको देखना है कि क्या इसको और किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या बहुत ही बढ़िया ओम शर्मा डीई सी जे हैशैग बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया कि सर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ऐसा दे रखा है सर इसको किसी और फॉर्म में लिखा जा सकता है क्यों तो समझिएगा सर अगर इसको लिखना है जब कुछ समझ में नहीं आए तो या तो उसको छोड़ दो या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या हाँ सर कर सकते हो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी नहीं हाँ ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं सूर्यांश सूर्यांश वो भी बताऊंगा नंबर सिस्टम में आएगा लास्ट चैप्टर ले रहा हूं नंबर सिस्टम बहुत इजी है जो आप पूछ रहे हो आप वो भी डिस्कशन करेंगे अब एक काम करता हूं आपको पता ही है ए डॉट ए ही होता है ए डॉट ए ही होता है तो मैंने इसको ए लिख दिया इसको ए बी इसको ए सी इसको bc। यहां भी ए है यहां भी ए है यहां भी ए है अब तो सारे जहां में ए है तो ए को मैंने ले लिया कॉमन ए को कॉमन ले लिया तो इधर बन गया वन इधर बन जाएगा बी इधर बन जाएगा सी और इधर बन गया बी सी अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वन ऑरिंग एनीथिंग वन ऑरिंग कुछ भी हो वो वन ही होता है मैंने बताया था ना वन है साक्षात भगवान और के साथ वन में जो भी जाएगा समा जाएगा यानी ऐसा भी लिखा हो वन ए प्लस बी तब भी वन आएगा वन औरिंग कुछ भी हो वन औरिंग एनीथिंग विल बी ऑलवेज वन वन ऑरिंग एनीथिंग विल बी ऑलवेज वन माई डियर फ्रेंड इसका मतलब अगर इधर से लिखोगे तो दिस विल बिकम नथिंग इट इज जस्ट ए सिंपल वन ए ये तो पूरा वन ही आएगा क्योंकि वन और कुछ भी वन ही होगा प्लस बी सी और ए डॉट वन तो सर ए ही आता है इसका मतलब अब से थोड़ा सा उल्टा भी याद रखेंगे कैसा उल्टा देखो इधर देखो इधर जल्दी 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 कि सर कभी भी अब ऐसा लिखा हो ए प्लस तो हमेशा ध्यान रखना ए को बी के साथ भी और a को सी के साथ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो राइट right? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल श्रियांश तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो मैंने लिखा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी अगर सर ऐसा लिखा होता तो ए प्लस बी सी डी तो आप कैसे लिखते है? तो सर a को बी के साथ a को सी के साथ और a को डी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब आप लिख सकते हो ऐसा ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी सिंपल ए प्लस बी सी डी लिखा हुआ ई e लिखा हुआ है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस डी डॉट ए प्लस ई हा कर सकते सिंपल सर इसको यूज कैसे करना है सर यूज कैसे करना है तो देखो इधर देखो इधर 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 मान लो मेरे बाबू इधर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है ऐसा एफ ऑफ ए बी बार प्लस ए बी और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा तो अब इसमें कोई क्रांतिकारी नहीं है चौवनी भर का कंसेप्ट है कैसे सर इसको इधर भी और इसको इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर इधर इधर, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो देखो ये बन गया ए बार प्लस ए और ये बन जाएगा इसके साथ ए बार प्लस बी ए बार प्लस ए क्या होगा सर ए बार प्लस ए हमेशा वन बनता है b बार प्लस b भी वन बनता है यानी कोई भी वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा वन ही बनता है इसका मतलब ये वन बन, बन गया ये a बार प्लस b बन गया तो यही a बार प्लस b आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर a प्लस बी नहीं बेटा a बार प्लस बी ए बार प्लस बी अरे बार भूल जाते हो रे बार भूल जाते हो बार पे भावुक नहीं होना पर भूलना भी नहीं है हाँ बहुत बढ़िया अच्छा इतनी चीजें क्लियर होगी तो एक क्वेश्चन और देना हूं। देखो जल्दी से करके बताओ अगर मैंने आपसे ऐसा दिया ए प्लस ए बार बी और मैंने पूछा इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से सबके सब बताओ जल्दी से इसका आंसर बता दो यार क्या आएगा कमेंट बॉक्स में एक बार हवा में बैडम लहराते हुए आना चाहिए सब जल्दी से एवरी वन एवरी वन एवरी वन जल्दी से यार जल्दी से एक बार सबके सब बताएंगे ए प्लस ए बार अगर बी है तो कैसे आएगा जल्दी मेरे भाई दोस्त आंसर बताएंगे बहुत ही बढ़िया बहुत जबरदस्त 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 ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कुछ ने बी भी, भी लिखा है कुछ ने खाली बी भी, भी लिखा मस्ट बी द प्रिंटिंग मिस्टेक बट मोस्टली द पीपल हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया इतिहास रचेंगे भाई इस बार सर इसको इसके साथ इसको इसके साथ अब इसमें भावुक मत हो जाना कौन किसके साथ जा रहा है सर तो ये ए प्लस ए बार ये तो वन बन गया और ये ए प्लस बी तो ये क्या बन जाएगा आंसर ए प्लस बी यानी ये और गेट ही एक तरीके से देखा जाए तो कौन सा गेट है ए प्लस बी यानी ये और गेट ही था एक्चुअली एक्सप्रेशन तो समझ में आया इसका मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट कि सर कभी भी ए प्लस बी सी दे रखा हो तो a को बी के साथ a को सी के साथ और इसी वजह से इस थ्योरम का नाम था कौन सा थ्योरम सर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इसी वजह से इसका नाम था अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और थ्योरम पे और इस थ्योरम का नाम है कॉन्सेंसिस थ्योरम अब थोड़ा ध्यान से समझना ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा पास कान लेके आओ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को ये कंसेप्ट जो समझा रहा हूं, रहा हूं वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right, हाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे सर मान लीजिए आपके पास फंक्शन दे रखा है कुछ ऐसा मान लीजिए आपके पास दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है ऐसा ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी पहले सॉल्व नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले ये एनालाइज कर रहा हूं क्वेश्चन में हो क्या क्या यानी इस फंक्शन में हो क्या क्या रहा है मैं अगेन सॉल्व नहीं कर रहा हूं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं राइट right? ध्यान से समझिएगा कि सर अगर मुझे इसको सिर्फ एनालाइज करना है और मेरे साथ आप सहमत है कि नहीं ये बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं एक टर्म दो टर्म तीन टर्म अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सबको सर इस फंक्शन में तीन टर्म्स दिखाई दे रहा है सर बहुत बढ़िया मोहम्मद साहब बहुत बढ़िया कि सर तीन क्वेश्चन एक दो तीन टर्म दिख रहा है अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि हर एक टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है यहां पर मुझे कोई बता सकता है क्या कमेंट बॉक्स में हर एक टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है यार दोस्तों सर हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल है एक दो एक दो एक दो यानी इसकी एनालिसिस से हमको यह चीज पता चला है कि सर तीन टर्म्स हैं हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल है तीन टर्म्स है हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल है हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है तो देखो बी बी दो बार सी सी दो बार ए ए बार ओ एक ए ऐसा वेरिएबल था जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिपीट हो रहा था बाकी के जो दो वेरिएबल हैं वो दो दो बार आ रहे हैं एज इट इज यानी yani, इसको एनालिसिस से हमको ये पता चला तीन टर्म्स ईच टर्म हैविंग टू वेरिएबल ईच टर्म हैविंग टू वेरिएबल ईच टर्म हैविंग टू वेरिएबल्स तीसरा ईच वेरिएबल रिपीटेड टू टाइम्स ईच वेरिएबल रिपीटेड two times but one in the form of complement but one repeated in form of complement in the form of complement hey, कि हां सर ये तो समझ में आ गया सर ये तीन चीजें समझ में आई इसके एनालिसिस के बाद बता दो यार एक बार तीनों चीजें कि सर तीन टर्म्स हैं हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल है हर वेरिएबल दो बार रिपीट हुआ है खाली एक वेरिएबल ऐसा था जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हुआ है अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो सर ए इधर भी है बार में ही सही है तो सही अरे बार में ही सही दोस्त तो दोस्त होता ना चाहे बारह में ही क्यों ना मिले तो सर ए है ए बार है बार में ही सही पर है तो सही पर इसके पास ए नहीं है सर अगर इसके पास ए नहीं है तो दे दो सर कैसे दे देंगे इसको ए बार प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ए बार प्लस ए ऑलरेडी वन होता है और वन डॉट दिस बी सी होता है तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए प्लस ए से मल्टीप्लाई भी कर दोगे क्यों क्योंकि इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो और एक की जगह ए बार प्लस ए लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सही बात है सर अब देखो अब इधर देखो बाबू इधर देखो इसको मैंने लिख दिया ए बी इसको लिख दिया ए बार सी इसको लिख दिया ए बार बी सी और ये बन गया ए बी सी अब इधर देखो अब इधर देखो क्या देखना है सर कि सर यहां पर ए बी है यहां पर भी ए बी है सर यहां पर ए बार सी है यहां पर भी ए बार सी है तो पिंक वाले में से ए बी कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा वन प्लस सी और ये ग्रीन वाले में से फ्लूसेंट वाले में से ए बार सी कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा वन प्लस भी सर ये सब इतना रटना है क्या अरे नहीं रटना है रे सब हो जाएगा अभी का अभी देखो कुछ नहीं रटना है भाई जिंदा है ना आपका क्यों टेंशन ले रहे हो सर वन और एनीथिंग वन और एनीथिंग विल बी वन ओनली तो ये तो वन ही हो गया तो ए बी और इधर क्या बन गया सर ए बारसी अरे सर यही दो आ रहा है ये तो गायब हो गया ये तो आई नहीं रहा है हां यार यही तो नहीं आ रहा है इसका मतलब जब भी कभी फंक्शन ऐसा दे रखा हो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी तो आंसर आ रहा है यही दो चीजें ए बी प्लस ए सी इसका मतलब आंसर वही आएगा वही वेरिएबल वाला जो कि कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हुआ था वो खुद आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट वाला जो टर्म था वो आएगा बी सी रिडेडेंट है रिडनेंट का मतलब जो गायब हो जाए जो आंसर में जिसकी जरूरत ना हो तो ये जो बीसी है ना ये रिडनेंट है ये रिडनेंट है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गुड मॉर्निंग गोस्ट राइडर बहुत बढ़िया अरे अपना अपना नाम लिखा करो भाई नहीं तो कभी कभी कमेंट बॉक्स में मोदी जी आ जाते हैं कभी कभी कोई पुतिन आ जाता है राइट टू कमेंट बॉक्स में तो रिटेट है इसका मतलब सर नहीं समझ में नहीं आई सर आपकी बात कोई बात नहीं फिर से समझाता हूं समझो कि सर जब भी कभी कोई फंक्शन दे रखा हो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी और आपको सीधा आंसर लिखना है तो हमेशा पहले एनालाइज करना है कितने टर्म्स हैं एक दो तीन हर वेरिएबल के पास हर टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है एक दो एक दो एक दो हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है बी बी एक बार दो बार रिपीट हो रहा है बी सी 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 बी रिपीट हो रहा है सर ए ए बार जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो वही आंसर आएगा तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए बी प्लस ए सी तो सर ये बी सी क्या है ये वैसे ही है फिर इसको बोलेंगे रिडंडेंट ये रिडंडेंट टर्म है आंसर से गायब हो जाएगा और इसी को बोलते हैं थ्योरम सर ये कैसे लगा सकते हैं देखिए देखो जैसे एक और एग्जाम्पल आपसे देता हूं एक बार मुझे इसका का आंसर देंगे यार सबके सब एक बार मुझे इसका आंसर देंगे अगर मैं लिखा ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए सी मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा एवरी वन क्विकली 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 क्या मुझे इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग क्या आएगा क्या मुझे इसका आंसर बता सकते हैं सबके सब कमेंट बॉक्स में देते फॉर्म फिल करने के बाद तो अब मैं क्या कर... नहीं नहीं आदित्य अगर आ, कुछ गड़बड़ होता तो वो मेल कर देते आपके पास सक्सेसफुल हो गया होगा इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस बार बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा पहले गिनो पहले ऐसे नहीं कि कोई भी आया एकदम से रूल लगाने शुरू हो गए पहले देखो जो हमारा कंसेप्ट वो फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर कितने टर्म्स एक दो तीन हाँ सर सर हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है ए ए दो बार रिपीट हुआ सर सर सी सी दो बार रिपीट हुआ है सर सर बी बार बी सर बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है तो जो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट वाला जो टर्म्स है वही आंसर आएगा।, आएगा तो सर ए सी क्या टर्मस एसी है, है क्या इतनी चीजें क्लियर हुई क्या सबको अरे चमका नहीं चमका एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार चमका नहीं चमका जल्दी से बताओ एक बार जल्दी क्विकली एवरी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुती बढ़िया। अब अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यानी हमने अभी कौन से कितने थ्योरम देख लिए सर हमने अभी दो थ्योरम देखे एक देखा ए प्लस बी सी तो एक को बी के साथ एक को सी के साथ यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी एक ये देखा सर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम और अभी अभी आपने बोला सर ए बी प्लस ए बारी प्लस बी सी तो जब इसका आंसर आया था ए बी प्लस ए बार सी कॉन्सेंसिस थियोरम ये दो चीज़ें हमने देखी सर ये दो चीज़ें हमने देखी सर बहुत ही बढ़िया अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो बहुत ही बढ़िया अब चमका 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 ए बी सी है वेरिएबल अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई तो एक और है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज थ्योरम सर ये कैसे करेंगे अगर मान लीजिए मैंने आपके पास सीधा लिख देता हूं अगर मान लीजिए मैंने लिखा ए प्लस बी और ए बार प्लस सी यानी ये थ्योरम तब लगा सकते हैं समझो 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 एक बार जल्दी सर ये थ्योरम तब लगा सकते हैं जब पहला और इधर पहला दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होने चाहिए दूसरा सेम हो अलग हो कॉम्प्लीमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता पर पहला पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए पहला प्यार कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए इसका भी पहला प्यार इसके पहले प्यार से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए दोनों वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए सर अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सर अब मैंने आपको एक चीज बताया तो नहीं नहीं थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल फाइव वेरिएबल भी लग सकता रूल यही लगता है जनरली हमारे जो कंसेप्ट है वो थ्री बाकी के जो ज्वाइडे आएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे डिस्कशन करेंगे ना ओके okay. अब देखो एक बार सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बताया था जब कुछ समझ में नहीं आया तो दो काम कर सकते हो या तो छोड़ दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए डॉट ए बार ए डॉट ए बार प्लस ए बार बी ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी अच्छा आपको एक चीज पता ही है क्या कि सर ए डॉट ए बार जो होता है ना वो जीरो होता है एक ए है और एक ए नहीं है दोनों में कॉमन क्या आएगा जीरो ही तो कॉमन है एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं हम दोनों में कॉमन क्या होगा जीरो ही होगा डॉट का मतलब इंटरसेक्शन कॉमन अब इधर देखो दोस्तों ए डॉट ए बार कितना होता है सर जीरो ए डॉट ए बार अगर जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो गया क्या बच गया ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी अब मुझे एक चीज बताओ क्या कुछ लगा सकते हो क्या रूल एक बार सबके सब यहां देख के मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई रूल लगा सकते हो क्या जल्दी से एवरी क्विकली 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 एक बार जल्दी से बता दो यार रूल कुछ लगा सकते हो क्या कंसेट बता दो यस 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 निशु बहुत बढ़िया बाकी के कुछ लोग बता नहीं पा रहे यार ऐसे मैं नहीं खेलूंगा मैं नहीं खेल रहा जाओ मैं नहीं खेल रहा जल्दी से बताओ आप क्या कर सकते हो इसमें सर इसमें आप करना क्या है सर सर एक दो तीन टर्म्स हर टर्म्स के पास दो दो वेरिएबल एक दो एक दो एक दो सर बी बी सी सी खाली एक वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है इसका मतलब सर ये यहां आपने लगा दिया है कॉन्सेंसिस फिर से लग सकता है और कॉन्सेंसिस लग सकता है तो आपका आंसर आ सकता है ए बार बी प्लस ए सी इसका मतलब दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है ए प्लस बी और पहला जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में दे रखा हो पहला जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में दे रखा है तो आप पहले को आखिरी के साथ पहले को आखिरी के साथ आखरी को पहले के साथ इसी को तो बोलते हैं क्या ट्रांसपोज कर देना उल्टा कर देना फर्स्ट को लास्ट लास्ट को फर्स्ट तो बन गया ac प्लस ए बार बी खत्म यही तो आंसर आएगा बट पहला पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए जैसे जैसे इधर देखो एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मान लीजिए मैंने लिखा ए प्लस बी और मैंने लिखा ए बार प्लस बी बार अब दूसरा वेरिएबल सेम हो कॉम्प्लीमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता पहला पहला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए सर इधर ए इधर ए बार कॉम्प्लीमेंट सर लगा दो थ्योरम सर अब कैसे लगाओगे पहले को आखिरी के साथ आखिरी को पहले के साथ तो ए बी बार प्लस ए बार भी अरे ये क्या है ए बी बार प्लस ए बार बी ये क्या था ये कौन सा लॉजिक गेट था क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये कौन सा लॉजिक गेट था बिल्कुल नथिंग कंडीशन ऑलवेज डेफिनेटली अरे बताओ कौन सा एग्जॉर बहुत बढ़िया कि सर ये एग्जोर गेट ही तो है इसका मतलब ये एग्जॉर गेट ही है पीओएस फॉर्म है ये एक्जोर गेट का एक्सप्रेशन है एसओपी फॉर्म है अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूं ए प्लस बी और मान लो मैंने बार प्लस ये कर दिया अब मैंने बोला आप बताओ क्या है अब बताओ बहुत ही बढ़िया यार धमाकेदार तरीके से मजा आ गया मतलब मजा आ गया बहुत ही बढ़िया अब मैंने इसका पूछ लिया तो सर पहला पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए दूसरा हो ना हो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब पहले का इसके साथ दूसरे का पहले के साथ तो सर ये बन गया ए बी प्लस ए बार बी बार अरे ये क्या है यार ये क्या बन नॉर मयांक खेल गए बेटा बहुत बढ़िया सर ये बन गया नॉर गेट यानी ये मैंने एक्सोर और एक्सनॉर ट्रांसपोज में एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ये इतनी चीजें हमने ट्रांसपोज में देखा इसका मतलब हमने कौन कौन से थ्योरम पढ़े भी सबको एक बार रिकॉल भी करवा दूंगा पर उससे पहले दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा दिस्ट्रि... हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का भी दिस्क... अरे वो लिखना था ना डिमॉर्गन लॉ अब बात करते हैं थोड़ा सा डिमोर्गन लॉ का राइट एक लास्ट डिमोर्गन लॉ अच्छा आप लोगों को थ्योरम्स और लॉ में डिफरेंस पता है क्या अरे थ्योरम्स और लॉ में डिफरेंस पता है लॉ रूल जिसमें लॉ का मतलब होता है सीधा जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सीधा अपनी बोली और बंदूक की गोली ये लॉ है है ना ऐसा हां सबके लिए लागू होगा सबके लागू होगा अनमोल सोनी साहब जैसे देखो डिमोरगन लॉ की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो समझिएगा अगर सबका बार है तो सबका बार तो छोटा छोटा बार सबका बार तो छोटा छोटा बार ब्रेक द लाइन चेंज द साइन डॉट को प्लस बनाना है प्लस को डॉट बनाना है और सारे बार को इंडिविजुअल बार में तोड़ देना है अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल बार है तो इसको ए बार प्लस प्लस नहीं डॉट बी बार डॉट सी बार तो हमने तीन चीजें कौन कौन सी अपनी बोली बंदूक की गोली बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया नहीं अब देखो एक चीज इधर समझो इसका मतलब अभी जो सारे थ्योरम्स पढ़े उसको एक साथ लिख देता हूं पहला लिख पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन थे नम ए प्लस बी सी तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी पहला ये पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा सर कॉन्सेंसिस ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी तो आंसर होगा ए बी प्लस ए बार सी तीसरा हमने पढ़ा कि सर ए प्लस बी ए बार प्लस सी तो पहले को आखिरी के साथ आखिरी को पहले के साथ और हमने पढ़ा एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपको अब आप ऐसे ही याद रखना है राइट right? अब अगले चौथा आपको लगना डिमोरगन लॉ ए बी सी का होल बार तो ए बार ऑरिंग बी बार ऑरिंग सी बार और ए प्लस बी प्लस सी का होल बार है तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई थोड़ा सा आगे 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 आगे, आगे बढ़ते हैं भाई एक बार इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी आपने सॉल्व किया था एक बार देखते हैं याद भी रहता है कि नहीं रहता है। एक बार फिर से सॉल्व करके बताओ चौनी भर का क्वेश्चन है फिर से अभी भी सर यह क्वेश्चन क्यों दिया सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए अभी भी आपने सॉल्व किया था नहीं 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 किशोर मेरे भाई प्लस आएगा सबके बीच में प्लस आएगा प्लस आएगा किशोर प्लस आएगा प्लस आएगा जल्दी नहीं सोम सोमेश्वर नहीं हमने तीन वेरिएबल पे लगाना वाला बताया था चार पे भी लग सकता है पांच पे भी कंसीशन वही होती है जो रूल मैंने बताया एक बार बताइए क्या आंसर आएगा इसका सब सर कौन सा और थ्योरम का नाम भी बता सकते हो क्या थ्योरम्स का नाम बता सकते हो क्या जल्दी से बोलो एक बार थ्योरम्स का नाम थ्योरम्स का नाम बोलो यार ए बार प्लस ए बार प्लस बी तो ये क्या बन जाएगा सर ए बार प्लस बी यही बनेगा बार प्लस बी यही बनेगा नहीं 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 और गेट नहीं है यार और गेट नहीं है अच्छा इतनी चीजें क्लियर हो गई ये तो किया ही था अच्छा एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ मिनिमाइज द एक्सप्रेशन मिनिमाइज द एक्सप्रेशन सर ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी इसको सॉल्व करना बताइए सर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फंक्शन क्या था ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर ए बार ए बार कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया बी बार और ये बन गया बी प्लस इधर क्या बन गया ए बी ये बन गया ए बार बी बार प्लस बी कितना होता है बी बार प्लस बी क्या बनेगा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन अच्छा कोई बोलेगा सर थ्योरम माबन नहीं तीन टर्म्स तो है पर देखो हर वेरिएबल ए बार ए बार दो बार बी बार बी कॉम्प्लीमेंट बी बी अरे सर बी कॉम्प्लीमेंट में भी रिपीट हो रहा है और अपने आप भी फिर से रिपीट हो रहा है कॉन्सेंसेज नहीं लगेगा कॉन्सेंसेज नहीं लगेगा कॉन्सेंसेज नहीं लगेगा बी बार प्लस बी वन होता है सर तो ये बन गया ए बी अब लगा दो बाबू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो ए बार प्लस ए ए बार प्लस बी तो आंसर आ जाएगा ए बार प्लस बी सिंपल 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 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अच्छा अब एक बार ये क्वेश्चन कि सर मिनिमाइज द एक्सप्रेशन ए बार बी बार दे रखा है ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और ए बी अब इसका क्या आंसर आएगा एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी हाँ आग लग और इतनी चीजें समझ में आ रही है तो एक बार फायर सिंबल हो जाए यार फायर या दिल वाला सिंबल एक बार कमेंट बॉक्स में एवरीवन वन बहुत ही बढ़िया अभी फोर ब्लॉग फोर लॉग अभी तो मैंने क्या बोला अभी तो पार्टी अभी तो हम खेल रहे हैं ओ ले 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 थोड़ी देर बाद आएगा लो 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 थोड़ा सा पेशेंस रखना उस टाइम तक बस अब देखो एक चीज कि सर इधर से सॉल्व किया ए बार कॉमन ले लिया तो इधर बन गया बी बार प्लस बी इधर से ए कॉमन ले लिया तो यह बन गया बी बार प्लस बी बार प्लस बी वन ही होता है ये बन गया ए बार प्लस ए और ए बार प्लस ए वन होता है अब यहां पर एक चीज समझो यहां पर एक चीज समझो यहां पर एक चीज समझो यार क्या कि सर कभी भी अगर आपके पास दो वेरिएबल है यहां पर एक बहुत काम की चीज समझाना वाला हूं अरे सुनना चाहोगे क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाना चाह रहा हूं समझोगे क्या देखो क्या कि सर अगर कभी आपके पास एक वेरिएबल हो एन इक्वल टू वन अगर आपके पास कभी एक वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल से कितने फंक्शन लिख सकते हो जो कि फर्दर मिनिमाइज ना हो सर एक वेरिएबल से हम ए बार बना सकते मान लो एक वेरिएबल ए है आपके पास तो उससे ए बार लिख सकते हो ए लिख सकते हो जीरो बना सकते हो और वन बना सकते हो यानी टोटल चार डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो फर्दर मिनिमाइज नहीं होगा जो फर्दर मिनिमाइज नहीं होगा अच्छा जी सर ये भी क्लियर हो गया अब देखो अब देखो यार दोस्त अगर मैंने बोला एन इक्वल टू टू दो वेरिएबल ले लेता हूं सर दो वेरिएबल कौन से लिए आपने अब कुछ भी ले लो डरते थोड़ी किसी से हम ए और बी ये दो वेरिएबल ले लिए अब ये दो वेरिएबल से कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हो सर तो देखो इधर देखो इधर दो वेरिएबल से हम बना सकते हैं ए बार, B बार, A बार B. A बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी बार फिर लिख सकते हैं ए बार प्लस बी और फिर लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार यही लिख सकते हैं बिल्कुल सही फिर लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं ए बार भी बना सकते हैं दो वेरिएबल है कुछ भी एक्सप्रेशन लिखोगे मिनिमाइज करके ए ही आ जाए ए बार ही आ जाए बी आ जाए बी बार आ जाए जीरो आ जाए वन आ जाए और एक्सोर और एक्सनॉर भी तो फर्दर मिनिमाइज नहीं होते हैं इसका मतलब अगर आपको मैंने दो वेरिएबल दिए बहुत ही बढ़िया निशू 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 खेल गए बेटा खेल गए बहुत बढ़िया कि सर अगर एक वेरिएबल दे रखा है तो चार डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता अगर दो वेरिएबल है तो सर टोटल सोलह सिक्सटीन डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो कि फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता ऑलरेडी मिनिमाइज है इस सोलह के अलावा कोई भी चीज लिखोगे दो वेरिएबल से कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो वो फर्दर मिनिमाइज होके इन सोलह में से ही कोई एक बन जाएगा राइट right? अच्छा जी इसके अलावा दोस्तों ये तो मैंने सोलह की बात बताई इस सोलह एक्सप्रेशन में ये जो चार एक्सप्रेशन था ये मिंटम का था और ये जो चार एक्सप्रेशन था ये मैक्स टर्म का था योर टर्म और मिंटम और मैक्सटर्म के एक्सप्रेशन था मतलब 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 अगर आपके पास एन वेरिएबल है अगर आपके पास एन वेरिएबल है तो आप इसकी मदद से रेज टू पावर रेज टू पावर एन रेज टू पावर रेज टू पावर एन तो जीरो कैसे होएगा ए डॉट ए बार जीरो बन जाएगा ना अगर दो वेरिएबल है ए डॉट ए बार प्लस बी भी लिखना है तो बी बार डॉट बी जीरो तो बन गया अच्छा इस इतने डिफरेंट नॉन मिनिमाइज डिफरेंट एक्सप्रेशन बनेंगे और ये कौन से एक्सप्रेशन होंगे जो फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकते ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन बनेंगे इसमें टू पावर टू पावर एन में टू पावर एन मीन टर्म होंगे और टू पावर एन मैक्स टर्म होंगे टूरिस्ट पावर एंड मिनिमम होंगे टूरिस्ट पावर एंड टर्म होंगे क्या इतनी बात सबको चमका तेज प्रताप जीरो कैसे आया चमका चमका रे बाबा सब बोल दो एक बार बाबू बोलो 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 अरे कंसेप्ट ऐसे पढ़ो बेटा कि मन करे चौराहे पे जाके डांस करो ऐसा बहुत ही बढ़िया जल्दी से जल्दी से जल्दी से बहुत ही बढ़िया इसका मतलब सर फिर से एक बार समझा देता हूं सारी चीजों की कि अगर आपके जेब में एन वेरिएबल है अगर आपके जेब में एन वेरिएबल है तो उससे टोटल कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हो रेज टू पावर रेज टू टूर एन उस एक्सप्रेशन में रेज टू पावर एन रेज टू पावर एन टर्म होंगे इतनी सी से इसी का जीरो और वन बताया ना जीरो तो बता ही दिया ये देखो यही तो लिखा है और वन तो यार ए प्लस ए बार हो और मान लो डॉट लगा दो बी बार प्लस बी हो तो क्या बनेगा वन डॉट वन वन ही तो बनेगा ये वन बना दिए दो वेरिएबल की मदद मतलब से आप जीरो और वन नहीं बना सकते क्या क्यों नहीं बना सकते बिल्कुल बना सकते अब देखो एक चीज इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए मैंने आपसे अच्छा जब भी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे एसओपी में लिखा हुआ सारे मिनटर्म प्रेजेंट है जब भी कभी किसी फंक्शन में एसओपी लिखा हुआ है और सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं तो उसका आंसर वन होगा जैसे देखो इसका इसमें दो वेरिएबल से कौन कौन से एसओपी बन सकते हैं A bar B, A, B bar और A, B. ये चारों बन सकते थे और यही चारों बन सकते थे और चारों के चारों प्रेजेंट है डायरेक्टली इसका आंसर वन होगा इसी तरीके से फंक्शन अगर पीओएस फॉर्म में लिखा हो और सारे मैक्स टर्म प्रेजेंट है तो उसका भी आंसर वन होगा खत्म हो गया खेल। बहुत ही बढ़िया अब देखो मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया इसके चार ऑप्शन भी देता हूं ए ए बी प्लस ए बार सी बी ए बी प्लस बी सी सी बी सी डी नन बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से चार ऑप्शन भी दे दिया यार, आप तो बता ही सकते हो चार ऑप्शन चार उप्षयन, चार ऑप्शन ऑप्शन अगर कोई वेरिएबल नहीं होगा फिर भी टू टर्म्स आएगा देखो स्टेटस देखो बेटा नाम बताओ एक एक बार बार सबके सब जल्दी से एक बार everyone, everyone, everyone. क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो यार इसका चार ऑप्शन भी है चार ऑप्शन भी एकदम फ्लो कर जाना चाहिए यार एकदम चार ऑप्शन है आपके सामने खटाक से खटाक खटाक, खटाक, खटाक जल्दी एवरी वन क्विकली 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 ए ए ए ए सब ने ए बोला कॉन्सेंसियस थ्योरम अच्छा कौन सा थ्योरम थ्योरम का नाम भी बोल सकते हो क्या कौन सा थ्योरम थ्योरम का नाम भी बोल सकते हो जल्दी से बताओ अब कोई बोलेगा देखो सबने बोला ए सबने बोला ए सबने बोला ए सबने बोला ए अरे ये क्या हो गया सर सर ये क्या हो गया सर सर ये क्या हो गया सर तो देखो इधर देखो इधर फंक्शन क्या दे रखा था इधर देखो एक बार समझो 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 कि सर तीन टर्म्स एक दो तीन हर वेरिएबल दो बार बी बी सी सी खाली एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में पट मेरे भाई मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़े ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सिर्फ आप दो ही वेरिएबल को यूज कर सकते हो ऐसा नहीं कि कुछ भी फंक्शन बना दोगे फंक्शन में कितने वेरिएबल होने चाहिए ये आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखा होता है और किस ऑर्डर में पहले ए आएगा फिर बी आएगा किस ऑर्डर में यहां ये बोल रहा है कि दो ही फंक्शन वेरिएबल को यूज करना है आपने जबरदस्ती सी वेरिएबल को यूज किया है यानी फंक्शन इट्स सेल्फ रिटर्न इन रॉन्ग फॉर्मेट रॉन्ग फॉर्मेट फंक्शन अपने आप में ही रॉन्ग फॉर्मेट में लिखा हुआ है अरे समझ में आया भाई समझ में आया तो फिर इसका मतलब ये आंसर तब हो सकता था जब ये ऐसा दे रखा हो तब आपका आंसर ए सही हो सकता था मैं नहीं खेल रहा चीटिंग <laughs> बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा चीटिंग हो रही है हमारे साथ बहुत ही बढ़िया अरे समझ में आया इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसा नहीं कि एकदम से क्वेश्चन आया और एकदम थड़ धड़ लग गए जैसे क्वेश्चन आए भावुक नहीं होना पहले अनुलोम विलोम टाइम मिले तो दो चार सेकंड कपाल भारती भी कर दो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैं आपको बता देता हूं राइट तो ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछो अब लगा दो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा बहुत ही बढ़िया अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से क्विकली 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 बहुत ही बढ़िया अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा जो आपने बोला उसको प्रूफ करके बता दूंगा एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछ रहा था जब प्रोडक्ट सारे टर्म्स के दे रखे हैं सारे मैक्स टर्म दे रखा प्रोडक्ट में तो आंसर क्या आएगा जीरो या वन इसको भी प्रूफ कर लेंगे दो मिनट का टाइम लगेगा जीरो ही आएगा उसका है ना जीरो आएगा जीरो वो मैंने वन बोल दिया था थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था कभी कभी मैं भी भावुक हो जाता हूं मैं भी तो इंसान हूं ना बेटा अब देखो इसका आंसर सब ने यार सब बता रहे सर पहले देखो अब कोई गलती नहीं करेगा पहले यहां देखेगा ओ अब ठीक है सर एक दो तीन बी बार बी बार दो बार ए बार ए बार दो बार सी बार सी अरे सर यही तो है अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि रिमेंट पूछा गया है कि मिनिमाइज फॉर्म पूछा गया है ना बहुत ही बढ़िया सबने 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 सही आंसर दिया यार इसका बहुत ही बढ़िया अब बात करते हैं के मैप की अब बात करते हैं के मैप की के मैप आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो के मैप पढ़ चुके हैं या पढ़े हुए हैं कभी ना कभी कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो यार के मैप कितने लोग हैं जो पढ़े हुए के मैप जल्दी बता दो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी के मैप पढ़े 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 सर बट याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं अरे याद नहीं आए कोई दिक्कत नहीं अच्छा मॉडिफाइड विस्ड डायग्राम कितने में से ऑलमोस्ट सबने पढ़ा है मॉडिफाइड विस्ड डायग्राम कितने लोगों ने पढ़ा है ये कितने लोगों ने पढ़ा है अरे ये कितने लोगों ने पढ़ा है नाम सुना है अच्छा इसका कितने लोगों ने पढ़ा है अभी तो बहुत से लोगों ने वो पढ़ा था ये इसका नाम लिखा तेरा कोई नहीं पढ़ा है नहीं 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 पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर अच्छा नहीं पढ़ा है नो 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 अभी देखो आपके नो को मैं कन्वर्ट करता हूं यस के अंदर अब आपका नो यस में कन्वर्ट हुआ क्या ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट होता है के मैप से पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है के मैप की के तरह अरे अब आपका नाम नो नो से यस में कन्वर्ट हुआ है क्या अभी तक तो नो चल रहा था अब यस में आ गया <laughs> खेला हो बे वापस बहुत बढ़िया सर चीटिंग है मैं नहीं खेल रहा अब देखो यार सबसे पहले के मैप की बात करते हैं कर्न ऑफ मैप धोखा कोई दिक्कत नहीं देखो एक बार अगर मैं के मैप की बात करता हूं दोस्तों कर्न मैप की बात करता हूं तो कर्न मैप पे जो थोड़ा थो ध्यान से समझना है ये बेस्ड होता है ग्रे कोड पे किस पर बेस्ड होता है ग्रे कोड पे तो सबसे पहले हम ग्रे कोड को समझने की कोशिश करते हैं ग्रे कोड क्या होता है फिर के मैप को समझेंगे अब ये मत बोलना ग्रे कोड जो होता है सर ग्रे कलर का होता है आपने ग्रीन कलर से क्यों बना दिया है ना ग्रे कोड ग्रे कोड मैं आप करते क्या समझने की कोशिश करेंगे ग्रे कोड में जब भी कभी कोई नंबर बाइनरी में होता है जब भी कभी कोई नंबर बाइनरी में होता है जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बी थ्री बी टू बी वन और बी नोट बी थ्री बी टू बी वन बी नोट अगर आपको इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है बाबू ग्रे कोड में अगर आपको कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त तो आपको कुछ नहीं करना है सर तो फिर छोड़ देना है क्या अरे नहीं पहला वाला बिट एज इट इज रखना है बी थ्री और जी थ्री एमएसबी एज इट इज फिर इन दोनों का कर देना है एग्जोरिंग अच्छा एग्जोरिंग आता है ना सेम का आंसर जीरो का आंसर वन यानी जीरो, जीरो जीरो one वन, जीरो 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 सेम तो जीरो इसका मतलब इधर और जो आंसर आएगा उसको लिखोगे यहां ये बनेगा जी टू बन गया आपका जीतू भैया फिर इन दोनों का एग्जोर करो यह बन गया जीवन फिर इन दोनों का एग्जॉर करो फिर बन जाएगा जी नोट इसका मतलब पहला बिट एज इट इज आगे का एक्जोर करेंगे आंसर लिखेंगे आगे का एग्जॉर करेंगे आंसर लिखेंगे आगे का एग्जॉर करेंगे आंसर लिखेंगे तो देखो चलता रहेगा खतम खतरनाक तरीके से बहुत ही बढ़िया अब देखो सर कैसे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों और मैंने बोला बाइनरी है कुछ इस तरीके का वन वन जीरो जीरो वन जीरो और मैंने बोला इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करो मैंने इसको बोला ग्रे कोड में कन्वर्ट करो कर सकते हैं क्या एवरी मैंने बोला ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं क्या अरे कर सकते हैं क्या सर बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते सर पहला तो एज इट इज रखना है वन फिर इन दोनों का एग्जोरिंग करना है सर वन एग्जॉर वन सर जीरो होता है फिर इन दोनों का एग्जॉर करना है सर वन एक्सोर जीरो सर वन होता है सर फिर इन दोनों का करना है जीरो एक्ट जीरो सर जीरो होता है सर फिर इन दोनों का करना है जीरो एक्ट वन वन होता है सर फिर इन दोनों का करना है वन एक्ट जीरो सर वन होगा यही आंसर आ गया बहुत ही बढ़िया लास्ट में डबल वन आएगा लास्ट में डबल वन आएगा लास्ट में अमित जाना अमित 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 मेरे दोस्त अच्छा इतना ही समझ में आ रहा है एक क्वेश्चन और करके बताओ बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन और करके बताओ 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 अगर मैंने बाइनरी में एक नंबर दिया है कुछ इस तरीके से बाइनरी में मैंने एक नंबर दिया है कुछ इस तरीके से वन 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 जीरो 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 वन जीरो वन वन इसको कन्वर्ट करके बताओ ग्रे कोड में सबके सब थोड़ा छोटा दे देता हूं यार ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया वन वन जीरो 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 वन वन इसको कन्वर्ट करके बताओ ग्रे कोड में सिंपल इसको एक बार ग्रे कोड में कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से जल्दी सबके सब के सबके सब सब के सब सब के सब वन वन जीरो 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 वन वन इसको कन्वर्ट करके बताइए इसको कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से सबने या राज राइट राजनी राज पुष्प पुष्पा मैं झुकेगा ना बहुत बढ़िया अरे कुलदीप सर भी आ गए दोस्तों जो आप लोगों के लिए जब समय समय पर नोटिफिकेशन और आप लोगों को एक मेंटरशिप बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे यार सर इसको कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है यार कैसे देखो वन एज इट इज रखोगे हां सर फिर वन एक् वन सर जीरो. एक जीरो. जीरो 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 जीरो, जीरो एक्ट वन 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 एक्र वन जीरो खत्म 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 खतम खतम खत्म बहुत बढ़िया सबने सही आंसर दिया और अगर इतना ही सही आंसर दे रहे हो तो मुझे एक चीज बताइए मैंने लिखा ये ग्रे कोड लिख रहा समझो मैंने लिखा ये डेसिमल में लिखा तीन बिट, तीन बिट नंबर तक लिखा जीरो वन, टू, मैं इसको अगर बाइनरी में लिखता हूं तो कैसे लिख सकते हो जीरो जीरो ये क्या बनेगा जीरो वन ये क्या बनेगा वन जीरो और ये क्या बनेगा वन वन बिल्कुल सही बात है सर अगर मैं इसको ग्रे कोड में इस पूरे बाइंड्री को मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए बोलूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सर इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं सर कोई क्रांतिकारी थोड़ी है पहला बिट एज इट इज जीरो 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 आएगा फिर इसको एज इट इज जीरो वन वन आएगा फिर ये एज इट इज वन एक्ट जीरो सर वन ही आएगा फिर यह एज इट इज और वन एक्जॉर वन सर जीरो आएगा खत्म सर कर दिया सर कर दिया सर कर दिया सर अच्छा इसका मतलब ये ग्रे कोड में देखो जब ग्रे कोड में सीक्वेंस में लिखा जाता है ना जीरो वन टू थ्री को तो पहले लिखा जाता है जीरो जीरो राइट ऐसा पहले लिखा जाता है इनको जीरो जीरो उसके बाद आता है जीरो वन जीरो जीरो फिर आता है जीरो वन फिर आता है वन वन और फिर आता है वन जीरो अगर इस ऑर्डर वन जीरो के बाद फिर से यही इसी ऑर्डर में चलता है यही चलेगा राइट इसका मतलब ये ऑर्डर है अच्छा एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इधर देखोगे ये सब सक्सेस ही नंबर जीरो का पड़ोसी कौन वन वन का पड़ोसी कौन टू इधर तो पहले बाइनरी को देखोगे तो पड़ोसी पड़ोसी में खेलते हैं जीरो वन टू थ्री ये सब पड़ोसी हैं यार पड़ोसी नेबर्स नथिंग डेसिम पंद्रह उसके बाद एक और एक्सटेंड होता है आठ के बगल में सोलह लगा देते हैं आएगा मैं बताऊंगा पूरा नंबर सिस्ट। नंबर सिस्टम को खोल के रख देंगे बेटा राइट हवा में दिखेगा नंबर सिस्टम थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बताएंगे मोहम्मद साहब अब देखो जीरो का जीरो पड़ोसी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं क्या है जीरो का जीरो जीरो का वन सर एक बिट तो सेम है दूसरा बिट चेंज हो गया एक बिट चेंज हो रहा है इधर जीरो का वन वन का जीरो सर इन दो पड़ोसी के बीच में दो बिट चेंज हो गए वन का वन जीरो का वन सर इसके बीच में भी एक बिट सर ये क्या लगा रखा है कभी एक बिट कभी दो बिट कभी एक बिट सर क्या लगा रखा है ये, इधर देखो पर ग्रे कोड में पड़ोसियों को देखोगे तो जीरो का जीरो जीरो का वन एक बिट वन का वन जीरो का वन एक बिट वन का वन वन का जीरो एक बिट इसका मतलब सर ग्रे कोड में तो सारे पड़ोसियों के बीच में एक बिट का डिफरेंस आ रहा है हां इसका मतलब ग्रे कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें पड़ोसी के अंदर सक्सेसिव नंबर्स में सिर्फ वन बिट का डिफरेंस होता है और जितने बिट का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस जितने भी पड़ोसियों के बीच में कितने बिट का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस तो यहां अगर हैमिंग डिस्टेंस की बात करोगे तो वन है यहां हैमिंग डिस्टेंस की बात करोगे तो वन है यहां हैमिंग डिस्टेंस की बात करोगे तो वन है इसका मतलब ग्रे कोड इज अ कोड ग्रे कोड इज अ कोड इन विच द सक्सेसिव नंबर्स आर डिफर बाय वन बिट और इसी वजह से ग्रे कोड को यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड के नाम से भी जाना जाता है यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड के नाम से भी जाना जाता है नहीं अनमोल उसके पीछे रीजन है मिनिमम एरर चाहिए ना तो उसकी यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस तो मिनिमम वन ही होना चाहिए अच्छा इसी के अलावा अब से देखो मैंने अभी भी क्या बोला ग्रे कोड में कि सर सक्सेसिव नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए वन बिट का तो इधर वन बिट इधर वन बिट इधर वन बिट अरे इधर से इधर भी सर जीरो का जीरो वन का जीरो सर एक ही बिट का डिफरेंस हो रहा है इसका मतलब ये दोनों भी आपस में आपस में पड़ोसी हैं देखो पड़ोसी हैं और साइक्लिक फॉर्म में जा रहा है ये बन रहा है दिखाई दे रहा है साइक्लिक फॉर्म में तो इसी को एक साइक्लिक कोड भी बोला जाता है कितनी बार बोल देते साइक्लिक कोड भी बोला जाता है अच्छा इसी को रिफ्लेक्टिंग कोड भी बोला जाता है हालांकि कितनी बार बुक में पार्शियल रिफ्लेक्टिंग लिखा होता है बहुत सारी बुक में रिफ्लेक्टिंग भी लिखा होता है रिफ्लेक्टिंग कोड रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब है समझो रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जैसे ये मान लीजिए मिरर लगा दिया और आपने लिख दिया इधर बी तो इधर कैसा दिखना चाहिए बी ऐसा ही दिखना चाहिए तभी तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो इधर देखो अगर आप अगर आप इस वाले बिट को भूल जाओ तो इधर देखो इधर मिरर लगा दो इधर मिरर लगा दिया तो वन वन दिखाई दे रहा है जीरो जीरो रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है चूंकि खाली एमएसवी का रिफ्लेक्शन नहीं होता है इस वजह से किसी किसी बुक में पार्शल रिफ्लेक्टिंग वर्ड यूज किया गया है नहीं तो 99 परसेंट बुक्स के अंदर रिफ्लेक्टिंग कोड ही वर्ड यूज किया गया है ना बहुत ही बढ़िया निशु सेशन लाइक कर दो अच्छा बहुत बढ़िया थैंक यू निशु लाइक कर दिया तो आपने <laughs> अब देखो ये चीज हो गई अब देखिए आगे बढ़ते हैं राइट अगर इतनी चीजें क्लियर है साइक्लिक तो देखो हमने क्या क्या बोला ग्रे कोड को साइक्लिक कोड यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड साइक्लिक कोड और रिफ्लेक्टिंग कोड आप इधर भी समझ सकते हो रिफ्लेक्टिंग को कोई दिक्कत है तो इधर भी समझ सकते हो एक जगह और समझा देता हूं इधर समझो मान लो मैंने इधर लिखा आपको सात बिट में लिखने के लिए बोला हाँ इधर बाइनरी मतलब जीरो से अगर वैसे तो मैं सात तक ही लिख रहा हूं इधर समझो बाइनरी में लिखोगे नंबर को तो कैसे लिख सकते हो हटा दिया था ना हाँ ठीक है अब देखो इसको लिखोगे तो कैसे तीन बिट में जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो लिखा अब अगर आप इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हो कैसे करते हो अभी के मैप का मैं फिर से बता दूं दोस्तों के मैप का मैं सिर्फ एक ही रूल दूंगा एक रूल से हम सारे के मैप को जहां मिलेगा वहीं निपटाएंगे क्वेश्चंस को बस एक रूल उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हां बिल्कुल 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 नथिंग अब देखो ग्रे कोड में लिखोगे जीरो एजिस जीरो एक्ट जीरो 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 एजिस जीरो एक्ट जीरो 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 एज इज जीरो एक्ट वन 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 एक्ट जीरो वन जीरो एजट इस जीरो एक्र वन 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 एगर वन ज़ीरो इट इज वन और फिर वन एगर जीरो वन ज़ीरो जॉर जीरो जीरो वन एज इज वन एगोर जीरो वन ज़ीरो जॉर वन वन फिर वन एजट वन एक्र वन जीरो जी वन एक्ट जीरो वन फिर वन इट इज वन एगोर वन जीरो वन एक्र वन ज़ीरो ये हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया <coughs> बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब देखो एक चीज इधर समझो इधर कि सर इसको भी हम पार्शियल रिफ्लेक्टिंग क्यों बोलते समझो इस वाले बीट को मैंने छुपा लिया और इधर लगा दिया मिरर। तो देखो आपको सब रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा देखो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो दिखाई दे रहा है इसी वजह से तो इसको रिफ्लेक्टिंग कोड बोला जाता है राइट इसी वजह से इसको रिफ्लेक्टिंग कोड बोला जाता है होप आपको यह चीज समझ में आया होगा क्यों रिफ्लेक्टिंग बोला जाता है अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब कैसे बढ़ते हैं देखो तो क्या ग्रे कोड सबको समझ में आया क्या अरे ग्रे कोड सबको समझ में आया क्या अगर आया तो आगे बढ़ते हैं <laughs> बहुत ही बढ़िया अब देखो ग्रे कोड हमको क्या करना है यानी ग्रे कोड इज अ कोड इन विच मतलब ग्रे कोड का और क्या क्या नाम है कोई भी पूछ ले तो क्या क्या बताओगे कोई भी पूछ सकता है मान लो आप गए पानी पताशे खाने के लिए पानी पूरी फुचका पानी पताशे जैसे ही पानी पताशे खाने के लिए गए तो पानी पताशे वाले से आपने पूछा कि भैया दस रुपए में कितने पानी पूरी दिए तो उसने बोला दस रुपए में मैंने दिए चार पानी पूरी आपने बोला खिलाओ उसने दस रुपये के चार खिला दिए फिर उसने पूछा जाते जाते कि बताओ आपने बोला उससे कि एक काम करो एक लास्ट वाला वो पपड़ी भी दे दो फुचके का हुआ था ना पानी पताशे का पानी पूरी का फुचक वो भी दे दो एक पपड़ी खिला दो उसने बोला पपड़ी खिला तो दूंगा पर पहले ये बताओ कि ग्रे कोड के और कौन कौन से नाम हैं तो आप क्या बताओगे अरे क्या बताओगे क्योंकि आजकल सारे इंजीनियरें ध्यान रखना पढ़ना पड़ता है बेटा तो वो भी इंजीनियर ही होगा तो क्या बताओगे उस टाइम उसको बताना पड़ेगा कि सर ग्रे कोड तब जाके वो मिलेगा कि सर ग्रे कोड को हम यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड साइक्लिक कोड और रिफ्लेक्टिंग कोड बोलते हैं तब जाके एक पपड़ी मिलेगा जमाने गए आजकल वो सब बहुत ही बढ़िया तो अब देखो एक चीज इधर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अब अगर देखो ग्रे कोड में हमको क्या हमको के मैप में क्या करना है सर के मैप में हमको सेल बनाने अगर दो वेरिएबल का के मैप है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना अगर दो वेरिएबल का के मैप है ए और बी अगर दो वेरिएबल का के मैप है ए और बी तो आप क्या करोगे समझो ये जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं एमएसवी और इसको हम बोलते हैं एल एस बी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सर एमएसवी का क्या मतलब होता है एल का क्या मतलब मान लो आपने अपने किसी दोस्त को पांच सौ रुपए की उधारी दे रखी है मान लो आपने अपने दोस्त को पांच सौ रुपए की उधारी दे रखी है और अब रिटर्न में लेने की जरूरत है तो आप क्या बोलोगे उसको कि एक रुपया दे दे पांच सौ रुपए छोड़ दे नहीं आप उसको क्या बोलोगे पांच सौ रुपए दे दे एक रुपया बोले छोड़ 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 दे क्यों क्योंकि सर हर एक पोजीशन का अपना वेट है नंबर सिस्टम में जैसे ये डेसिमल में लिखा है तो पांच सौ एक लिख दिया इसका वेट एक है इसका वेट टेन है इसका वेट हंड्रेड है जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ते हो वेट बढ़ता जाता है तो आप इसी वजह से इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट हां बेटा हां एकता अब देखो एक चीज समझो इधर देखो अब देखो इधर अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है जैसे ए और बी तो दो वेरिएबल का फंक्शन है ए और बी तो मैंने ये एमएसबी है और ये एल है मैंने एम एस बी को इधर लिख दिया एल एस बी को इधर लिख दिया मैंने बना दिया ये arrow. अब देखो मैंने इधर ग्रे कोड में लिखा सारी चीजों को क्योंकि ग्रे कोड पर बेस्ड है एक बिट में यह जीरो है और ये वन है ये जीरो है और ये वन है जीरो का मतलब क्या है ये ए बार वन का मतलब क्या ए बार A। SOP फॉर्म में लिख रहा हूं इधर क्या बन गया बी बार और इधर क्या बन जाएगा बी अब देखो बेटा इधर अगर ए बार अब देखो इधर से अगर मैं डिस्कशन करता हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अब अगर हम इधर से डिस्कशन करते हैं ये जीरो जीरो वाला तो सेल कितना है ए बी बार का ये वाला सेल किसका है ए और बी का यही बनेगा अब देखो एक चीज अब ये विंडो क्यों बनाया किसी ने पूछा तो मैं आपको बता दूं हम के मैप के थ्रू फंक्शन को मिनिमाइज करने वाले हैं तो अब हमारे पास अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा दो वेरिएबल तीन वेरिएबल और चार वेरिएबल के के मैप का डिस्कशन करूंगा अगर दो वेरिएबल का के मैप होगा तो इस तरीके से आप सेल बनाओगे अच्छा इसमें ये वाला ए बार बी बार कॉम्बिनेशन है यानी इधर कॉम्बिनेशन जो होगा वो जीरो जीरो का होगा ये वाला कॉम्बिनेशन जीरो और वन का है ये वाला कॉम्बिनेशन वन और जीरो का है ये कॉम्बिनेशन वन और वन का है ये कॉम्बिनेशन वन वन का है है कि नहीं अब अगर इधर से डिस्कशन करोगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राइट right. अब अगर इधर से मैं बात करता हूं अब इधर थोड़ा ध्यान से समझो क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं ये जीरो जीरो ये जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन जीरो वन का कॉम्बिनेशन ये वन जीरो का कॉम्बिनेशन और ये वन वन का कॉम्बिनेशन अब अगर मैं इधर से डिस्कशन करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों तो देखो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि पड़ोसी कौन है तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें भी एक बिट का डिफरेंस होगा वही नेबर होगा जिसमें भी एक बिट का डिफरेंस होगा वही नेबर होगा अगर ये नेबर होगा तो देखो इधर देखो जीरो जीरो सेम जीरो वन एक बिट का डिफरेंस है पड़ोसी है, ये, दोनों पड़ोसी है जीरो का वन एक बिट चेंज वन का वन सेम एक बिट का चेंज है ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं वन का वन सेम जीरो का वन ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं जीरो का जीरो जीरो का वन ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं अच्छा ये और ये आपस में पड़ोसी नहीं है क्योंकि जीरो का वन जीरो का वन दो बिट चेंज हो गए ये दोनों आपस में पड़ोसी नहीं है डायगनली क्योंकि इसमें भी दो बिट का डिफरेंस हो गया इधर भी दो बिट का डिफरेंस है इधर भी दो बिट का डिफरेंस है बस इन दोनों के बीच में एक बिट का डिफरेंस है और मैंने आपको बताया पड़ोसी कौन होता है जिसमें एक बिट का डिफरेंस होता है इसका मतलब इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी ये मतलब कुलना के इतना है अपना ही पड़ोसी पड़ोसी होता है, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होता है सब एक दूसरे के बात कर रहे हो पड़ोसी की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पड़ोसी का ग्रुप बनाना होगा राइट क्यों बनाना होगा वो भी डिस्कशन करेंगे अभी तो ये चीज समझ में आया अच्छा अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो जीरो जीरो का मतलब जीरो जीरो वन का मतलब वन वन जीरो का मतलब टू और वन वन का मतलब थ्री होता है यही चीज अगर आगे बढ़ते हैं अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन दे रखा हो बाबू कितने वेरिएबल का तीन वेरिएबल का अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन दे रखा हो तो कैसे करेंगे <laughs> बहुत ही बढ़िया अभी अभी आकांक्षा डोंट वरी अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा टेंशन मत लो मंजीत अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा अब अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन लेता हूं तो मैंने लिखा एक ए बी सी एरो जो बना है उसके टेल पे मैंने बीसी को, को मैंने हेड पर डाल दिया अब देखो मैंने ग्रे कोड को फॉलो मैंने कौन सा कोड फॉलो करता है के मैप सिर्फ ग्रे कोड इसलिए ग्रे कोड में हम क्या लिखते थे जीरो जीरो फिर जीरो वन फिर लिखते थे वन वन फिर लिखते थे वन जीरो बाइंड्री में हम लिखते थे जीरो 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 वन उसके बाद वन उसके बाद वन वन बट हम ये ग्रे कोड में ये लिखते थे और के मैप किस पर बेस्ड होता है ग्रे कोड इसका मतलब मैंने जीरो 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 सही ऑर्डर में लिखा है पर ये किस लिखा है किस फॉर्म में लिखा है ग्रे कोड की फॉर्म में लिखा है कितनी बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कितनी बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा अंकित भाई कि बताओ ये वन वन को वन जीरो से पहले क्यों लिख दिया तुमने जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रे कोड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रे कोड देखो वन वन को पहले लिखा था वन जीरो से जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रे कोड अब देखो एक चीज अब क्या करोगे इसका मतलब क्या है सर ये ए बार इसका मतलब क्या है ये ए इसका मतलब क्या है ये बी बार सी बार बी बार सी बी सी और ये क्या है बी सी बार अच्छा ये कॉम्बिनेशन किसका है सर इस सेल का देखोगे तो ये ए बार बी बार सी बार का सेल है ये ए बार बी बार सी का सेल है ये ए बार देखो ये ए बार पूरा सेल इधर बी सी इधर ए बार बी सी बार इसकी बात करोगे ये ए बी बार सी बार ए बी बार सी ए बी सी और ये बन गया ए बी सी बार सर्वाइव वी आर एम्फेसाइजिंग मोर ओनली इन वन बी डिफरेंट बिकॉज वी वॉन्ट अ सिस्टम इन विच द लीस्ट डिफरेंस शुड बी हैपन एंड ड्यू टू दैट द एरर विल बी नथिंग इट इज जस्ट बिकॉज बाय द पेर द वन वेरियबल इज गंग टू बी रिड्यूस So how it is going to be आई I will explain into the next uh, slide. Don't worry about that. अब देखो एक चीज अगर इसकी बात करते हो तो ye बन गया जीरो 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 कॉम्बिनेशन ये जीरो 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 वन जीरो वन जीरो ये वन जीरो वन ये वन 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 और ये बन गया वन वन जीरो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं सिस्टम के हिसाब से लिखूं ये क्या है तो देखो ये जीरो ये क्या है वन ये क्या है थ्री जीरो वन वन का मतलब थ्री ये टू ये फोर वन जीरो वन यानी ये पांच वन 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 का मतलब ये सात और वन वन जीरो का मतलब ये छे. अब एक चीज समझो सम समृरत आज की क्लास में सारे डीपीपी भी सॉल्व करा दूंगा डोंट वरी थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है ना अरे आज ही डीपीपी भी होगा अरे डीपीपी भी आज ही करेंगे अब एक चीज इधर देखो बेटा अगर इधर सॉल्व करना है ध्यान से समझो एक बार सब सब के सब कि सर मैंने क्या बताया नेबर्स के बीच में कितने बिट का डिफरेंस होना चाहिए सर नेबर्स के बीच में एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए नेबर्स के बीच में एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए मतलब दोस्तों देखो जीरो एक एक बिट का डिफरेंस है इधर देखो बीच वाला सर एक बिट का डिफरेंस है साइड वाला एक बिट का डिफरेंस इसका नेबर ये इसका नेबर ये इसका नेबर ये ये दोनों भी आपस में नेबर है नेबर है नेबर है नेबर जिसमें भी एक बिट का डिफरेंस होगा वो नेबर होगा अच्छा जीरो 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 वन जीरो सिर्फ खाली बीच वाले बिट में चेंज हो रहा है सिर्फ बीच वाले बिट में चेंज हो रहा है इसका मतलब इसका भी नेबर ये है इसका भी नेबर ये है यानी एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है ऐसा पर इसको मैं कैसे बनाऊं थ्री टू डी पे तो मैंने उसको ऐसे तोड़ा और मैंने इसे बिछा दिया तो ये दूर दूर दिख रहे हैं पर है पास पास दिखाई दे रहा है ऐसे तोड़ा और ऐसे बिछा दिया अरे कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में भी होते दूर हैं फिर भी बहुत पास होते हैं ऐसे ही है, है दूर फिर भी है नजदीक अच्छा ये दोनों नेबर नहीं है ये और ये नेबर है ये और ये नेबर है बाकी के तो अगल बगल में दिखी रहे <laughs> बिल्कुल ये तो मैंने तीन वेरिएबल की बात करी अगर सर चार वेरिएबल का होगा तो डीपी बिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यस वर्क विशु अब देखो अगर चार वेरिएबल का फंक्शन होगा तो ए बी सी डी और इसके बाद आएगा रूल सीजे बाबा रूल सिर्फ एक ही रूल देंगे आपको यस डेफिनेटली गौरव जल्दी से फॉर्म भर दो भाई चार वेरिएबल है ए बी सी डी चार वेरिएबल का फंक्शन होगा तो जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 जीरो अच्छा मुझे आप में से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या वन वन को मैंने वन जीरो से पहले क्यों लिख दिया वन वन को मैंने वन जीरो से पहले क्यों लिख दिया एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार सबके सब एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे मजा आ रहा है मजा 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 भाई जल्दी बोलो इधर है सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार बहुत ही बढ़िया सी डी बार अब देखो अब देखो अब देखो ग्रे कोड कोड ग्रे कोड ग्रे ग्रे बहुत ही बढ़िया कोड मजा आ गया भाई मजा 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 बहुत बढ़िया और वाकई अगर एंजॉय कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया अब देखो एक बार इसको एक सेल बनाओगे तो ये क्या बनेगा जीरो 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 बनेगा जीरो 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 वन ये बनेगा जीरो जीरो वन वन ये बनेगा जीरो जीरो वन जीरो ये बनेगा जीरो वन जीरो जीरो ये बनेगा जीरो वन जीरो वन ये बनेगा जीरो वन 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 ये बनेगा जीरो वन वन जीरो फ्रॉम झारखंड बहुत बढ़िया अच्छा आप लोग एक बार कहाँ कहाँ से यार एक बार वो भी बता दोगे क्या कौन कौन से जगह से बिलोंग करते हो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो अब देखो हिमाचल बहुत बढ़िया रे हिमाचल मैं भी तो हूँ बेटा एन हमीरपुर हिमाचल बहुत सारे समय निकाले हमने वहाँ पे जमशेदपुर बंगाल पंजाब त्रिपुरा झारखंड हरियाणा उड़ीसा 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 बहुत बढ़िया गुजरात महसाना महसाना वाटर पार्क छत्तीसगढ़ अरे भिलाई से तो नहीं भिलाई कोरबा रायपुर बिहार उड़ीसा उड़ीसा बिहार मुजफ्फरपुर वेस्ट बंगाल यूपी इंडिया बहुत ही बढ़िया तेलंगाना दिल्ली मुजफ्फर कोलकाता बिहार इंदौर उड़ीसा बहुत ही बढ़िया यार उड़ीसा बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल इंडिया 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 से भी बहुत लोग हैं सब तो इंडिया से ही बेटा हम तुमको क्या पाकिस्तान से दिख रहे हैं राइट right? अच्छा हिमाचल आंध्रा सतना एम रीवा सतना ओके okay. भैया बहुत ही बढ़िया मधुबनी अच्छा उत्तर प्रदेश कड़क बहुत ही बढ़िया भाई अबे कुछ तो मिर्जापुर से भी दिख रहा है मेरे को अबे तुम कालीन भैया के भक्त तो नहीं हो कहीं या मुन्ना भैया के चलिए बहुत ही बढ़िया आगे डिस्कशन करते हैं दोस्तों अब मैं थोड़ा सा के मैप की बात करता हूं बहुत ही बढ़िया अब अगर थोड़ा सा यहां से डिस्कशन करते हैं तो बहुत बढ़िया अब अगर इधर से देखो पड़ोसी कौन कौन सबसे खास बात है नेबर्स पड़ोसी का पता करना पड़ोसी की बात करते हो तो देखो वैसे वैसे, वैसे नॉर्मली बीट में लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं जीरो ये वन है ये थ्री है जीरो जीरो, जीरो वन ये फोर है ये सॉरी ये थ्री है ये टू है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है वन ट्रिपल जीरो एट कहलाता है ये नाइन है ये टेन है ये इलेवन है ये ट्वेल्व ये थर्टीन दिस इज द फोर्टीन एंड दिस वन इज फिफ्टीन अच्छा महाराष्ट्र बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मतलब मुझे समझ में आ गया भांति भांति जगह से है और मजेदार मतलब कोरोना के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताते देना जे बीजेपी भी बोल रहा है बीजेपी नहीं जेपी भी अच्छा जबलपुर जिला गाजियाबाद बहुत ही बढ़िया आंध्र बाला वामशी सो आंध्र अब पीपल हुआ फ्रॉम द आंध्र आर यू अंडरस्टैंडिंग द हिंदी ओके अब बहुत ही बढ़िया <laughs> अब देखो अगर आगे डिस्कशन करते हैं छपरा बहुत ही बढ़िया बाबू मजा आ गया भाई अब देखो एक बार सर अब हमको क्या बनाना है ग्रुप बनाना है तो सर इसका हमेशा ध्यान रखते हैं इसका पड़ोसी ये होता है इसका पड़ोसी ये होता है इसका पड़ोसी ये होता है इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी ये सब अगल बगल वाले तो पड़ोसी ही साथ में साथ में साथ में इसका पड़ोसी ये भी है एक ही बिट जिसमें भी एक बिट का डिफरेंस है वो पड़ोसी है इसका पड़ोसी ये भी है इसका पड़ोसी ये भी है इसका पड़ोसी ये भी है इसका पड़ोसी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका पड़ोसी ये भी है इसका पड़ोसी ये भी है इसका पड़ोसी ये भी है तो ये अड़ोसी पड़ोसी वाला खेल समझ में आना चाहिए ओके सौम्या दैट्स ग्रेट बहुत बढ़िया अब इतनी चीजें क्लियर है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जरा देखिए है। यार ये तो फुटबॉल जैसा होगा ऐसे माना बिछा दिया तो सब दूर दूर चले गए पर है पास पास अब एक चीज देखो हमको क्या करना है हमको ये तो सेल अब पड़ोसी पड़ोसी समझ में आया कि नहीं आया एक बार ये बता दो पड़ोसी समझ में अभी और भी बताऊंगा पड़ोसी का रूल पर अभी पड़ोसी समझ में आया बिल्कुल आया सर अब देखो अगर पड़ोसी समझ में आ गया बाबू तो इधर समझो अब हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है वेरिएबल को मिनिमाइज अगर करना है वेरिएबल को तो उसके लिए हमको बनाना होगा ग्रुप पड़ोसी का ग्रुप पड़ोसी का ग्रुप अब चूंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम किसकी बात कर रहे हैं बाइनरी या टाइनरी सर टाइंड्री तो कुछ होता नहीं हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाइनरी मतलब टूरेज टू पावर यानी अगर मैं चार वेरिएबल के हिसाब से पहले समझा रहा हूं तो सबसे पहले ट्राई करना है हमको सबसे पहले हमको ट्राई करना है क्या ट्राई करना है सर कि 16 का पड़ोसी जो है उनका ग्रुप बना दो ग्रुप ऑफ 16 बनाओ सर ग्रुप ऑफ 16 से क्या होगा 16 का मतलब होता है टूरेज टू पावर फोर तो 16 का मतलब होता है टू रेज टू पार फोर यानी अगर आप 16 का ग्रुप बन सोलह पड़ोसियों का ग्रुप बना देते हो तो उससे चार वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएगा चार वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे बेटा फोर वेरिएबल्स मिनिमाइज सर अगर 16 का ग्रुप ना बने तो तो दो की पावर चार का ग्रुप नहीं बन रहा है तो दो की पावर तीन का ग्रुप बनाओ सर दो की पावर तीन का मतलब आठ यानी सोलह का नहीं बन रहा है तो आठ का ग्रुप बनाना है दस का नहीं बनाना है दो की पावर में चलाना है आठ का मतलब दो की पावर चार का ग्रुप बनाओ पहले सोलह का नहीं बन रहा है तो दो की पावर तीन क्योंकि ये सब बाइनरी में काम करते हैं बाबू तो तीन का मतलब रे क्या सर तीन वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स मिनिमाइज तीन वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे अब अगर तीन वेरिएबल मिनिमाइज हो गए अब देखो सर तीन का भी सर हमारे पास आठ का भी ग्रुप नहीं बन रहा है सर आठ का ग्रुप नहीं बन रहा है तो चार का ग्रुप बनाओ चार का ग्रुप मतलब क्या क्वाड क्वाड सर चार का मतलब क्या होता है चार का मतलब चार होता है और क्या होता है चार का मतलब दो की पावर दो सर चार का ग्रुप बनाने से मतलब क्वाड बनाने से टू वेरिएबल मिनिमाइज टू वेरिएबल्स मिनिमाइज अगर चार का कॉर्नर बताऊंगा 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 आस्था रानी सा थोड़ा सा इंतजार करो बेटा थोड़ा सा अनुलोम वुलोम करो फिर वापस उसी टॉपिक पाएंगे। चार का ग्रुप नहीं बन रहा है तो दो का ग्रुप बनाओ दो का ग्रुप क्या होता है टू रेस्ट पावर टू सॉरी yeah, टू रेस्ट पावर वन चार का अगर दो का ग्रुप यानी पेयर बनाते हो तो एक वेरिएबल मिनिमाइज होगा और अगर पेयर भी नहीं बन पा रहा है सर तो इकलौता अकेला क्या ही ग्रुप बनेगा बताओ कोई अगर कोई इकलौता ही बच गया तो जीरो एक भी वेरिएबल मिनिमाइज नहीं होगा जीरो वेरिएबल मिनिमाइज यानी आपको क्या समझ में आया समझो आप, अब थोड़ा ध्यान से समझो अब थोड़ा सा ध्यान से समझो सर आपको क्या समझ में आया कि सर हमको वेरिएबल को मिनिमाइज करना है और वेरिएबल मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है ग्रुप बड़े से बड़ा बनाओ ग्रुप बड़े से बड़ा बनाओ सर सबसे पहले सोलह का ग्रुप चार वेरिएबल की बात कर रहा हूं सबसे पहले सोलह का ग्रुप बनाने की कोशिश करो क्योंकि उससे क्या होगा चारों के चारे खत्म मिनिमाइज पर सर सोलह का नहीं बनना है तो तो फिर आठ ऐसे पड़ोसी को पकड़ो टू पावर तीन उससे क्या होगा तीन वेरिएबल मिनिमाइज होगा सर आठ का भी नहीं बन पा रहा है तो क्वाड चार पड़ोसी को पकड़ो उसका पेयर बनाओ ग्रुप बनाओ सर उसका ग्रुप बनाने से क्या होगा दो वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे सर चार भी नहीं दिख रहा है तो पेयर पड़ोसी दो दो पड़ोसियों को पकड़ो सर उससे क्या होगा एक वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएगा सर पेयर भी नहीं मिल रहा है तो फिर तो कुछ मिनिमाइज नहीं होगा अमन बहुत बढ़िया अब इधर देखो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आया बेटा कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही वेरिएबल मिनिमाइज होगा। अच्छा कोई भावुक हो गया दस का मत पेर बना देना। दस का ग्रुप बना रहे कि सर मैं 10 का को ये A, B, C, D, ये दो को तो पूरा कर दिया और ये सी को सर आधा कर रहे। ये मिनिमाइज हो गया अब नहीं यार टू रेस्ट टू पावर में सारी चीजें है ना टू रेस्ट टू पावर में ही चलेगा सारी चीजें अब इतनी चीजें क्लियर होगी तो आप समझेंगे सर रूल जो आपने बताया था वो रूल क्या होता है रूल क्या होता है सर रूल तो अभी बताऊंगा मैं पर रूल से पहले पड़ोसी पड़ोसी समझ लेते हैं देखो अगर मैं पेयर की बात करता हूं तो देखो ये दोनों का तो पेयर बन ही सकता है दिख ही रहा है ये दोनों का पेयर बन सकता है, दिख रहा है ये दोनों का पेयर बन सकता है, दिख रहा है बट 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 ये दोनों भी ये अरे ये भी और ये भी दोनों पेयर हो सकते हैं ये दोनों भी पेयर हो सकते हैं अच्छा जी अब समझो ये दोनों भी पेयर हो सकते हैं ये दोनों भी पेयर हो सकते हैं ये दोनों भी पेयर हो सकते हैं ठीक बाकी के तो सब दिखता है अगर मैं क्वाड की बात करता हूं अगर मैं क्वाड की बात करता हूं ये तो मैंने पेयर में बाकी के सब पड़ोसी पड़ोसी तो दिख ही है ये खाली दूर वाले भी क्वाड दिख सकते हैं अगर पेयर बनाना हो तो इन दोनों का भी बना सकते हो इधर वन हो इधर वन हो इन दोनों का भी बना सकते हैं अभी अभी समझाऊंगा मनोज दो मिनट थोड़ा दस पंद्रह मिनट के बाद सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा ऐसे डर ढा डा बस थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वाड की बात करोगे तो देखो ये सब तो सबको पता है कि सर ये क्वाड में एक ये बन सकता है ये तो सबको पता है कि ये चारों का ग्रुप बना सकते हो आप राइट बट क्वाड में एक इनका भी बना सकते हो आप ये दो और इधर के दोनों ये भी बना सकते हो इन दोनों का भी बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा सर ये भी ठीक है अच्छा अच्छा एक चीज और इसके अलावा ऐसे क्वाड में ऐसा जरूरी नहीं ये भी बना सकते हो आप है ना अरे क्या हो गया इन दोनों का भी बना सकते हो इसका ही बना सकते हो आप चाहो तो इसका भी बना सकते हो राइट right, ये चार और ये चार का भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं सर पांच वेरिएबल होगा तो क्या करना हो शुभादीप शुब, वो भी समझाऊंगा पहले चार तक का समझ लेते हैं अभी हमको चार कॉर्नर बटला ये समझ में आया ये चीज़ अच्छा चारों कॉर्नर वाला बता दिया ना ये वाला बताया तो ठीक ये चार ये ये और ये चारों कॉर्नर वाला अच्छा सर अगर ये आठ अगर चार वेरिएबल का होगा तो कैसे बनाएंगे तो समझो होगा देखो कैसे बनाएंगे देखो अगर चार वेरिएबल का होगा दोस्तों तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो समझने की कोशिश करेंगे सर अब अडगल बगल वाले तो दिखेगा तो सबसे पहले पेयर की अगर बात करते हो पेयर तो देखो एक ये और ये वाला भी पेयर बना सकते हो राइट right? ठीक है सर इसका और इसका भी पेयर बना सकते हो बिल्कुल सही बात है सर इसका और इसका भी पेयर बना सकते हो इन दोनों का 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 भी पेयर इन दोनों का अगल बगल वाले तो दिखते हैं बस दूर दूर वाले भी समझ में अच्छा इन दोनों का पेड़ नहीं बना सकते ये और ये पेड़ नहीं बन सकता ठीक है ये दोनों पेड़ नहीं बन सकता बस पेड़ ये बनेगा और ये बनेगा ये बनेगा और ये बनेगा कॉर्नर वाले इधर इधर डायगोनली वाले नहीं बनेंगे पेयर ठीक क्योंकि उसमें दो बिट डिफर आ जाएगा मैंने आपको बताया था नेबर्स वही होता है जिसमें एक बिट का मतलब जो भी दो चीज जिसमें एक ही बिट का डिफरेंस हो वो सब नेबर्स हैं आप चाहो तो यहां से सीधा पकड़ सकते हो कि कौन कौन नेबर है आपको यहां से भी सीधा सीधा पता चल जाएगा ये बताया था ना आपको इसमें जिसमें भी एक एक बिट का डिफरेंस हो रहा है देखो इन दोनों में नहीं हो रहा है इन दोनों में दो बिट का डिफरेंस आ रहा है तो नेबर नहीं है इन दोनों में दो बिट का डिफरेंस आ रहा है तो नेबर नहीं है इन दोनों में डायगनली नहीं बनेगा यार ऐसे ऐसे बना सकते हो अच्छा जी अब बात करते हैं कि सर क्वाड ये तो पेयर की बात करी, क्वाड यानी चार का सर चार का कैसे बना सकते हो तो देखो एक तो आप बना सकते हो ये दो और ये दो ये दोनों बन जाएगा क्वाड राइट right? ये दोनों का बन जाएगा क्वाड बिल्कुल सही बात है सर या फिर ये और ये ये बन जाएगा क्वाड बिल्कुल सही बात है सर या फिर ये और ये दोनों बन जाएंगे क्वाड मतलब ये और ये भी बन सकते हैं दोनों क्वाड एक दो सेल और पड़ोसी हैं अब अगल बगल वाले तो दिखते हैं खाली जो दूर दूर हैं पर पास हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये दोनों और ये दोनों भी क्वाड यानी चार लोगों का ग्रुप बनाना है तो इन दोनों का भी ग्रुप बना सकते हो ये दो और ये दो चारों पड़ोसी हैं ये दो और ये दो पड़ोसी हैं इनका ग्रुप बना सकते हो कॉर्नर वाले हां और एक बना सकते हो ये एक ये भी क्वाड बना सकते हो एक दो तीन चार ये चारों कॉर्नर के भी पड़ोसी होते हैं इनके भी क्वाड बना सकते हो क्वाड में क्वाड में ये भी पढ़ा सकते हो ठीक बिल्कुल 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 प्राची ये चारों कॉर्नर वाले भी बन सकते हैं ठीक अब तो ऑलमोस्ट हो गया उसके बाद ये चारों तो बन ही सकता है ये तो दिख ही रहा है आपको पड़ोसी का ये चारों का भी क्वाड बन सकता है अच्छा इन, च, इन दो, इनका भी बन सकता है क्वाड ये दो और वो दो क्वाड बन सकता है इसका मतलब ये चीज समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे हैं अब आते रूल इसका मतलब आपने पड़ोसी समझ लिए कौन कौन से पड़ोसी हैं, जिसका ग्रुप बनाना है और ग्रुप सोलह का फिर आठ का फिर चार का फिर दो का ऐसे बनाना है अब बात करते हैं सर रूल क्या है रूल फॉर मिनिमाइजेशन तो एक चीज मुझे बताओ एक चीज मुझे बताओ एक चीज मुझे बताओ जल्दी से कि जब भी कभी कोई फंक्शन लिखते हो मान लो मैंने ये लिखा है इसमें कभी भी किसी भी फंक्शन में दो चीजें होती है क्या क्या होती है सर एक तो होता है टॉम दो चीजें होती है कभी भी किसी फंक्शन में दो चीजें होती है एक होती है टर्म्स और दूसरा होता है, है वेरिएबल्स वे कभी भी किसी फंक्शन में दो चीजों का रोल है एक है टर्म्स और दूसरा है वेरिएबल एक है टर्म्स और दूसरा है वेरिएबल हमको क्या करना है सर हमको दोनों ही मिनिमाइज करना है टर्म्स भी मिनिमाइज करना है और वेरिएबल भी मिनिमाइज करना है हमें टर्म्स भी मिनिमाइज करना है और वेरिएबल भी मिनिमाइज करना है उसके लिए एक ही रूल दे रहा हूं दोस्तों यह है सीजे बाबा रूल मैंने बताया था ना बुक में बहुत सारे रूल दिए हुए हैं सबको हटा के मैं आपको एक ही रूल दे रहा हूं सीजे बाबा रूल अब कोई बता सकता है सीजे बाबा कौन है कमेंट बॉक्स में एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीजे बाबा कौन है और ये रूल कहता क्या है कि सर ये रूल कहता है कि हमें टर्म्स को भी मिनिमाइज करना है और हमें वेरिएबल को भी मिनिमाइज करना है हमें टर्म्स को भी मिनिमाइज करना है हमें वेरिएबल को भी मिनिमाइज करना है सर टर्म्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे और वेरिएबल को कैसे मिनिमाइज करेंगे टर्म्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे और वेरिएबल को कैसे मिनिमाइज करेंगे सर कम से कम ग्रुप बनाने से टर्म्स मिनिमाइज होगा कम से कम जितने कम ग्रुप बनाओगे उतने ही कम टर्म्स आएंगे और जितने बड़ा ग्रुप बनाओगे उतने कम वेरिएबल आएंगे राइट right? इसका मतलब इसका मतलब बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया नहीं पता इसका मतलब सर एक ही चीज है कि हमको कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है खत्म लेस नंबर ऑफ ग्रुप एंड बिगर ग्रुप लेस नंबर ऑफ ग्रुप एंड बिगर ग्रुप सर लेस नंबर ऑफ ग्रुप एक रूल खत्म खत्म पूरा के मैप सर लेस नंबर ऑफ ग्रुप से क्या होगा नंबर ऑफ टॉम्स रिड्यूस टॉम्स रिड्यूस सर बिगर ग्रुप बड़े से बड़े ग्रुप बनाने से क्या होगा नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस खत्म बड़े से कम ग्रू क्या है कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप बनाने से क्या देखो जिसको नहीं समझ लिख देता हूं कम से कम ग्रुप बनाना है एंड बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना खत्म हो गया खेल क्या ये रूल याद रहेगा क्या <laughs> चीज पापा अब अरे एक बार बता दो यार क्लियर है क्या ये चीज कि कम से कम बड़े से कम से कम ग्रुप बनाना और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना खत्म हो गया खेल बस खत्म अब देखो ये चीज क्लियर है कम से कम से क्या से ग्रुप बनाने से क्या हो गई तो आगे बढ़ते हैं पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक सुनाता हूं कहानी अरे सुनना चाहोगे स्टोरी एवरीवान अरे सुनना चाहोगे स्टोरी बता दो एक बार जल्दी बता दो बाबा जल्दी बोल दो रे मेरे भाई मेरे दोस्त बाबू ओले ले 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 जल्दी बोलो शुरू करते हैं क्वेश्चन का दौर पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में एक बार वो सर्कुलेट कर दो यार हैश स्टोरी <laughs> बहुत ही बढ़िया तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं जब भी कभी मुझे मौका मिलता है जहां पर भी मौका मिलता है मैं ये कहानी जरूर सुना देता हूं एक बार क्या देखा मूर्तिकार आप लोग जानते हैं राइट right? मूर्तिकार आप लोग जानते होंगे मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है मूर्तिकार जो क्या करता है मूर्तियां बनाता है तो एक बार क्या हुआ एक मूर्तिकार एक मूर्ति एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल कर रहा था एक बार एक मूर्तिकार एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल कर रहा था और ट्रेवल करते टाइम वो ट्रेवल कर रहा था कोई दिक्कत नहीं थी उसको दूसरे गांव में काम था इसलिए वो ट्रेवल कर रहा था रस्ते में पड़ता था एक जंगल रस्ते में पड़ा एक जंगल तो मूर्तिकार ने सोचा क्यों ना जंगल में बहुत घबराहट हो रही थी उसको जल्दी जल्दी जा रहा था पर उसको अचानक से एक बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया जैसे बड़ा मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया उसने फटाफट -फड़ छेनी करची उठाई और पत्थर पे मारा टक जैसे पत्थर पे मारा टक पत्थर से आवाज आई जोर से अब रहने दे यार दर्द होता है अब रहने दे यार दर्द होता है मूर्तिकार एकदम से घबरा गया एकदम फटाफट छेनी कच्ची उठाई फटाफट तेज तेज भागने लगा क्योंकि सुनसान जंगल में जंगल पत्थर से आवाज आ रही है कि रहने यार दर्द होता है वो एकदम से घबराया छेनी खर्ची उठाई और तेज 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 भागने लगा जैसे वो आगे गया पर उसके मन में एक दर्द था कि यार मैं उस पत्थर को मूर्ति का रूप ना दे पाया तो जब आगे बढ़ा तो उसको आगे एक और मजबूत सा पत्थर दिखाई दिया उसने मन में सोचा कि मैं उस पत्थर को मूर्ति का रूप दे ना पाया मैं इस पत्थर को मूर्ति का रूप देता हूं वो फटाफट छेनी कर्ची उठाई और उसने पत्थर पर मारा टक कोई आवाज नहीं नहीं आई वो बड़ी सुंदर सी भगवान की मूर्ति के रूप में उसको उसको बना दिया पर जैसे उस मूर्ति को उसने उठाया उसको बहुत भारी सा लगा वो मूर्ति तो उसने सोचा है इस मूर्ति को कहां मैं दूसरे गांव ले जाऊंगा फिर उसको उठा के दूसरे गांव अपने गांव ले जाऊंगा एक काम करता हूं इस मूर्ति को यहीं छोड़ देता हूं अब दूसरे गांव में जाके अपना काम कंप्लीट करता हूं लौटते टाइम इस मूर्ति को लेके चला जाऊंगा वो दूसरे गांव पहुंचता है जैसे मूर्तिकार दूसरे गांव में पहुंचता है देख के बड़ा टेंशन में आ जाता है क्यों क्योंकि पूरे गांव वाले ही टेंशन में होते हैं क्योंकि उस गांव में एक मंदिर का निर्माण किया हुआ होता है और मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं और गांव वाले जिस मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं वो मूर्ति हो जाती है खंडित और आपको पता होगा खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती जैसे ही मूर्तिकार आता है पूरे गांव वाले उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि यार एक जबरदस्त समस्या आ गई जल्दी से समाधान कर दो एक फटाफट एक मूर्ति बना दो जिसको मंदिर में स्थापित कर सके तो मूर्तिकार कहता है अरे पागल हो गए हो इतनी जल्दी कोई भी मूर्ति नहीं बन सकती फिर भी अगर तुमको मूर्ति चाहिए तो इसी डायरेक्शन में जाओ अभी ताजी ताजी एक मूर्ति मैंने बनाई है लाके मंदिर में स्थापित कर दो जाते हैं और मूर्ति को स्थापित कर देते हैं गांव वाले सब खुश अब देखो मंदिर का सिचुएशन कैसा होता है गांव वाले सब जाते हैं मूर्ति को प्रणाम करते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं चाय पत्ती थोड़ी होता धूप बत्ती अगरबत्ती सब चढ़ाते हैं मूर्ति को प्रणाम करते हैं और उस मूर्ति के नीचे एक, नार, एक पत्थर होता है उस पत्थर पर नारियल फोड़ते धम अब वो पत्थर बड़ा ही कमजोर होता है कभी नारियल फूटता है कभी वो पत्थर खुद टूटता है गांव वाले फिर परेशान गांव वाले फिर मूर्तिकार के पास जाते हैं अब बोलते हैं देखो एक समस्या का समाधान तुमने किया है तो प्लीज दूसरी समस्या का समाधान भी तुम ही कर दो एक ऐसा मजबूत पत्थर दे दो जिस पर हम नारियल फोड़ सकें तो मूर्तिकार बोलता है एक काम करो उसी डायरेक्शन में और आगे जाओ एक और मजबूत पत्थर दिखेगा उसको लाओ और उस पर नारियल फोड़ो गांव वाले जाते हैं वही

दोनों में रूप का जो डिफरेंस है ये दो पत्थर आपस में कम्युनिकेट करते हैं जिस पर नारियल फोड़ा जाता है वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर को बोलता है कि लाइफ तो भाई तेरी सेट है हर कोई आता है, तुझे धम तुझे प्रणाम करता है धूप बत्ती अगरबत्ती सब चढ़ाता है अब मुझे देख हर कोई आता है मुझ पर नारियल फोड़ता है और तुझे पता है कि जब मुझ पर नारियल फोड़ा जाता है तो मुझे कितना दर्द होता है इस पर मूर्ति वाला पत्थर रिस्पॉन्स करता है कि देख दोस्त मौका तुझे भी एक मिला था और मौका मुझे भी एक मिला था तो उस समय दर्द को सह नहीं पाया तो तुझे अभी जिंदगी भर दर्द मिल रहा है और मैंने उस समय दर्द को सह लिया तो जिंदगी भर मेरी पूजा हो रही है लाइफ का ये फिक्स रूल है दोस्तों लाइफ का ये फिक्स रूल है दर्द तो मिलेगा पेन तो मिलेगा इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमारे हाथ में एक ही चीज होता है दर्द का ड्यूरेशन डिसाइड करना ये जो बीटेक के आने वाले दो साल तीन साल बचे हुए हैं इसको पेनफुल निकालिए ताकि आने वाले चालीस साल आप दुनिया पर राज कर सको या फिर ये जो तीन साल बचे ना इसको एंजॉयमेंट वाला निकालो ताकि आने वाले चालीस साल दुनिया आपके ऊपर राज कर सके ये तो चॉइस आपका है ड्यूरेशन आपको डिसाइड करना है कि राजाओं की तरह ये तीन साल रहना है कि राजाओं की तरह ये चालीस साल रहना है ये आपकी चॉइस है राइट और अभी जो आप एक्टिविटी करते हो ना कॉलेज में ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है जबकि हमको लगता है नहीं यार ऐसा नहीं है ऐसा है इसलिए हैबिट अच्छी रखनी चाहिए मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए टारगेट को लेकर राइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये एक फिक्स रूल है यार प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है राइट बस उसको फेस करने की हैबिट डालिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिनिमाइज इसका मतलब अभी अभी हमने डिस्कशन किया है राइट अभी अभी हमने डिस्कशन किया नो पेन नो गेन बहुत बढ़िया हर्ष इसका मतलब अभी अभी हमने के मैप में क्या डिस्कशन किया दोस्तों कि सर कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमाइज होता है यह चीज हमने डिस्कशन किया अब आगे देखते हैं दोस्तों अब देखो बहुत बढ़िया लोकेश भाई अब देखो एक चीज अगर इधर बात करते हैं नेक्स्ट अगर कि सर ए बी ये मैंने फंक्शन लिखा है एक दो वेरिएबल का फंक्शन लिखा ए और बी इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे तो देखो एक तो के मैप्स पहले बुलियन अलजेबरा से हमको मिनिमाइज करना आता ही था कि सर अगर फंक्शन ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी है तो हम फंक्शन से इसको कैसे मिनिमाइज करते थे बाबू इधर देखो सर इसको मिनिमाइज करते थे ए बार कॉमन ले लेते थे ये बनता था बी बार प्लस बी और ये बनता था ए बी और ये बनता था ए बी और यहां से ये और यहां से ये तो ये क्या बन गया ए बार प्लस बी ए बार ए डॉट ए बार प्लस बी ए बार प्लस ए तो वन ही हो गया क्या बन गया आंसर ए प्लस बी ये तो हमने बुलियन को यूज़ करते हुए किया अब बात करते मैप को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं उसकी बात समझते के मैप को अब देखो के मैप से ए बार बी बार का क्या मतलब है मिनटर्म्स में जीरो जीरो इसका मतलब जीरो वन इसका मतलब वन वन यानी ये है जीरो है वन और ये है थ्री तो मैं लिखा जीरो मिनटर्म्स में मीन टर्म्स में अब एक चीज समझिएगा डीपीपी का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा बेटा देखो सब लेके आया हूं रही ये देखो दिखाई देता है तुमको तुमको लगेगा नहीं लेके आया हूं ये देखो ये देखो सारे डीपीपी लेके आया हूं दिखाई दे रहा है जो दिए गए थे सारे क्वेश्चन लेके आया हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा टेंशन मत लो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको है ना कहा चला गया भाई जल्दी आ जाओ रे जल्दी आ जाओ बेटा जल्दी 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 कहां गया ये अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे देखो इधर से कि सर ये ए है और ये बी है और एक चीज और जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज में चीजों को मतलब ढंग से बच्चों को एक एक को गाइड करो यार गेट का क्या मतलब है समझाओ कि एक गेट वाला है गेट वाला जहां पर इतिहास रचा जा रहा है बात समझ में आ रही है बहुत ही बढ़िया है तो यहां पर अगर मैं डिस्कशन करता हूं जीरो जीरो अब देखो हमने पहले ही बताया था ये जीरो होता है ये वन होता है सेल का ये जीरो होता है और ये वन होता है इसको हम पूरे को बोलते हैं ए बार इस पूरे सेल को इसको बोलते हैं ए इसको बोलते हैं बी बार इसको बोलते हैं बी राइट डीपीपी ऐप पर मिलेगा राइट अब देखो एक चीज हमने पहले ही बोल दिया था कि सर इसको आपने बोल दिया था जीरो ये वन ये था टू और ये था थ्री ठीक अब समझो कहां कहां पर दे रखा है मिन टर्म्स में वन के लिए लिखा जाता है तो जीरो पर है वन यानी जीरो पर मैंने लिख दिया वन अगला कहां पर दे रखा है सर वन वन पर भी वन भी है वन और थ्री भी है तो वन ये हो गया बिल्कुल सर डुअल फंक्शन भी बताऊंगा यार लॉजिक कन्वर्जन होता है डुअल फंक्शन पॉजिटिव लॉजिक का नेगेटिव और नेगेटिव लॉजिक का पॉजिटिव अब देखो सर एक काम करो दो वेरिएबल का है तो चार क्वाड बनाओ खेल खत्म करो दो वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे पर क्वाड नहीं बन पा रहा है क्वाड नहीं बन पा रहा तो अब क्या बन पाएगा सर क्वाड अगर नहीं बना पा रहे तो हम क्या बना पाएंगे तो देखो सर क्वाड अगर नहीं बन पा रहा है तो सर एक पेयर जरूर बन सकता है इसका बिल्कुल सही बात है सर और जब ये पेयर बन सकता है तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों इसका जब आंसर लिखोगे तो ये पूरा सेल किसका है बी तो चेंज हो रहा है क्योंकि ये सेल है ए बार ये है ए बार बी बार ये है ए बार बी जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखना है जो नहीं चेंज हो रहा है सिर्फ उसको लिखना है सर ये पूरे सेल में सिर्फ एक ही चीज है जो चेंज नहीं हो रही है वो है ए बार तो इसका आंसर आएगा ए बार अच्छा एक और कि सर एक ये भी है ये भी तो है वन इस वन का भी पेयर ही बनेगा अब कोई इकलौता छोड़ देगा तो तो एक भी वेरिएबल मिनिमाइज नहीं होगा ओवरलैपिंग करने के साथ ही पर बन तो रहे इसका आंसर लिखोगे तो ये कौन सा सेल में चेंज नहीं हो रहा बी में तो ये बी तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सिंपल इसका ए बार प्लस ये क्या है बी आंसर हो गया इसका मतलब अगर कभी ओवरलैपिंग करने से बड़ा ग्रुप बनता है अगर ओवरलैपिंग <laughs> बढ़ा रहा अगर ओवरलैपिंग करने से बड़ा ग्रुप बनता है तो ओवरलैपिंग कर दीजिए तो ओवरलैपिंग कर दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते। ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ हुआ क्या क्या क्वेश्चन एक बार बता दो यार ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या कैसे लिखते हैं अगर इतनी चीजें क्लियर है एक और क्वेश्चन दे रहा हूं देखो जब सारे होते हैं ये जीरो और ये वन जीरो बी बार ए बी बार बी देखो इस फंक्शन को लिखोगे तो ये कैसा है जीरो वन टू और थ्री सब जगह है जीरो वन टू और थ्री सब जगह है जब सारे ही जगह वन है जब सारे ही जगह वन, वन है जब सारे के सारे सेल कंप्लीटली फील्ड होते हैं तो उसका आंसर वन होता है जब सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड होते हैं लोकेश अभी अगले क्वेश्चन से अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट सारे के सारे सेल फील्ड होते हैं तो कंप्लीट आंसर इसका वन होता है मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरे भाई मेरे दोस्त अगर ये वन हो गया आगे क्वेश्चन पे देखते हैं राइट right? ये वन हो गया अब एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने एबीसी जीरो वन थ्री सिक्स सेवन जीरो वन थ्री सिक्स सेवन तो देखो एक चीज तीन वेरिएबल का फंक्शन है मैंने लिखा ए बी सी ये जीरो जीरो ये जीरो वन ये वन वन और ये वन जीरो अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूं वन वन, वन बिफोर द वन जीरो क्या मैं गलत लिख रहा हूं क्या वन 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 जीरो से पहले क्यों लिख रहा हूं मैं के मैप में कोई बता सकता है क्या आप में से सर ये है ए बार और ये है ए ये है बी बार सी बार बीसी और ये है बीसी बार यही है बिल्कुल सही ग्रेकोड 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 बहुत बढ़िया ग्रे कोड भाई जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया बहुत बढ़िया अब देखो एक चीज अगर ये है बहुत बढ़िया अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब देखो बाबू कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ग्रे कोड बहुत बढ़िया हाँ ग्रे कोड का चक्कर बाबू भैया ग्रे कोड का चक्कर है अब देखो इसको हम जीरो बोलते थे वन ये टू आता था ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स और ये सेवन आता था अभी बेसिक चल रहा है कि मैं अभी अभी इसको एडवांस बनाएंगे थोड़ा सा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अब देखो एक बार मेरे बच्चों दोस्तों भाई जिगर के टुकड़े इधर देखो जीरो पर है जहां जहां मिनटम है वहां वहां, वहां, वहां वन पटक दिया यहां वहां वन पटक दिया वहां वहां वन पटक दिया।, दिया वन पटक दिया वन पटक दिया अब सर एक काम करो आठ का ग्रुप बनाओ खेल खत्म करो सर आठ का ग्रुप बनाओ खेल खत्म करो सर पर क्या आठ का ग्रुप बन रहा है क्या अरे आठ का ग्रुप बन रहा है क्या सर आठ का ग्रुप नहीं बन रहा है सर आठ का ग्रुप नहीं बन रहा है सर आठ का अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो एक काम करो दोस्तों चार का ग्रुप बनाओ सर तब खेल खत्म करो सर चार का भी नहीं बन रहा है सर तो चार का भी नहीं बन रहा है तो एक काम करते हैं पेयर तो बना सकते हो बिल्कुल बना सकते क्यों नहीं बना सकते सर एक तो ये जाएगा रूल क्या था वो याद रखना रूल क्या था सीजे बाबा रूल क्या था सीजे बाबा रूल कम से कम ग्रुप बनाना है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप सबसे पहले सर इस वन को देखोगे तो ये तो ऐसे ही जाएगा सर कोई तरीका नहीं एक ही तरीका इसका ग्रुप बनाने का पेयर बनाने का इस वन को देखोगे पहले उस ग्रुप को बनाने की कोशिश करो जिसका एक ही तरीका पहले सबसे पहले उस वन को पकड़ो जो बोलता है मेरा एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का जैसे मैंने इसको पकड़ा ये बोलता मैं इसी के साथ जाऊंगा इससे पकड़ा है बोला मैं इसी के साथ जाऊंगा तो जो जो जिस जिस के साथ जाना चाह रहा है वो छोड़ दिया मैंने ये कर दिया अब ध्यान से समझना राइट अच्छा दो पेयर बन गए अब इस पेयर का आंसर कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है सर इसका आंसर जब लिखोगे तो कैसे सर ये सेल किस किस का ये दो सेल है इन दोनों में कॉमन क्या है बी बार भाई ये 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 जो दो पेयर बनाए ये इसी का तो है इसमें ए बार तो सेम है और बी में क्या इन दोनों में क्या कॉमन है बी बार यानी ये बनेगा ए बार देखो ए बार ए बार तो पूरा ही था पर चूंकि पेयर बनाया गया तो इन दोनों में कॉमन क्या है बी बार तो इसलिए मैंने लिख दिया बी बार अब देखो इसके साथ इधर ये ए का सेल है तो ए तो रह गई इन दोनों के सेल में क्या कॉमन है इन दोनों में बी कॉमन है सर इसका मतलब इसके आंसर में एक तो बन गया ए बार बी बार एक ए बी अब सर एक बच गया वन कोई बोलेगा सर नोट अंडरस्टूड शीर्षा फिर से समझो जब भी कभी इसका पेयर बनाते हो ना इसका पेयर बनाना है वन का पहले यूनिक का ग्रुप बनाओ इससे वन पूछो क्या क्या तरीका है ग्रुप बनाने का इसी के साथ जा सकता है इसके साथ जा सकता है तो इस वाले सेल के अंदर टोटल है क्या भाई ये दो चीजों का ग्रुप है ना एक इसका और एक इसका भाई ये पूरा इसी का तो है तो ए बार तो कॉमन ही है इन दोनों में भी क्या कॉमन है बी बार इसलिए लिखा ए बार बी बार क्लियर है इन दोनों का अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन है पेयर जा रहा है पेयर का दो ये ए का है पूरा ए है और इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में क्योंकि देखो ये दोनों सेल जो है इसी का है बी सी और सी बार सी तो चेंज हो रहा है चेंज क्या नहीं हो रहा है बी चेंज नहीं हो रहा तो एक ए आएगा और एक ए बी आएगा इसलिए ए बी अरे आप बोल दो बेटा समझ में आया अच्छा अब एक बच गया तीन कोई बोलेगा सर तीन को मैं नहीं बता रहा हूं मैं ओवरलैपिंग नहीं ले रहा हूं तो उसको छोड़ दो ऐसे ही मान लो अभी ये गलत है मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको मैंने कोई पेड़ नहीं बनाया ये छोड़ दिया छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा ये तो ए बार है और इधर क्या है बी सी क्योंकि तो इसको जब लिखोगे तो ये ए बार बी सी ये आंसर आया अच्छा जी अब ये मत सोचो सर गलत लिख दिया आपने मैंने गलत लिखा जानबूझ के क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपसे आपको, आपको वन कैसे फिल कर दिए सर कुमार वन तो इसमें से देख के ना जहां जहां दे रखा था वहां फिल कर दिया देखो ऐसे ये एक्चुअली जीरो होता है ये जीरो होता है ये वन होता है ये टू होता है ये थ्री होता है ये बना चुका हूं सेल कैसे आता है ये सब पांच ये छह होता है ये सेल होता है जहां जहां दे रखा था मिनटर्म में था वहां वहां वन डाल दिया मैक्स टर्म में होता तो वहां वहां जीरो डाल देता अब देखो एक चीज समझो अब कोई बोलेगा सर इसका ग्रुप तो इसके साथ पेयर बनेगा सर इसमें तो कोई दो राय नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसका ग्रुप सर इसके साथ बनेगा उसमें भी कोई दो राय नहीं है पर सर इसका आंसर बनेगा ए बी आपने बताया था थोड़ी देर पहले ए बार बी बार इसका आंसर बनेगा ए बी ये भी आपने बताया अब सर एक इसकी दिक्कत हो रही है ना इस चीज की तो सर इसको आप क्यों जबरदस्ती अकेला छोड़ रहे हो इसको इसके साथ इसके पड़ोसी के साथ किसी के साथ ग्रुप बना दो क्योंकि पेयर बनाने से एटलीस्ट एक वेरिएबल तो मिनिमाइज हो रहा है तो अगर मैं इसके साथ ग्रुप बनाता हूं तो इसका आंसर क्या लिखोगे ये सेल का क्या पार्ट है ए बार और इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है सी यानी अब इसका आंसर बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार सी ये आंसर बनेगा और कोई बोलेगा सर ऐसे मत बनाओ सर इसको ऐसे बनाओ एक पेयर ये है एक पेयर ये है सर आपने इस वन को इसके साथ ही क्यों जोड़ा भाई ये भी तो पड़ोसी है इसके साथ भी तो ओवरलैप करवा सकते थे बिल्कुल करा सकते थे इसमें क्या होगी बात अगर आपने इसके साथ कराया तो इसका आंसर बनेगा क्या इन दोनों में क्या कॉमन है बीसी क्योंकि इन दोनों में देखो ए और ए बार तो चेंज हो रहा है सिर्फ बीसी चेंज नहीं हो रहा है तो इस केस में आंसर क्या बनेगा इसका आंसर होगा ए बार बी बार इसका आंसर होगा ए बी और इस वाले का आंसर होगा दोस्तों बीसी बीसी अब समझ में आया क्या एवरीवन अब क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन बनता है कि देखो हमने कितने ग्रुप बनाए एक दो तीन तीन ग्रुप बनाए तीन ग्रुप बनाए इसलिए तीन टर्म्स में आंसर आया एक दो और तीन तीन ग्रुप इसलिए तीन टर्म्स में आंसर आया हर एक ग्रुप कितने वेरिएबल और कितना का ग्रुप बनाया हमने पेयर का ग्रुप बनाया देखो पेयर ही तो है पेयर ही तो है पेयर ही तो है और पेयर बनाने से कितने वेरिएबल रिड्यूस होते हैं सर एक वेरिएबल रिड्यूस होता है टोटल तीन वेरिएबल का फंक्शन था चूंकि पेयर बनाया है तो आंसर ए बार बी बार आया है

अब देखो इधर इधर देखो इधर देखो अब कोई बोलेगा सर इधर भी वही किया तीन ग्रुप एक दो तीन तीन ग्रुप तो तीन टर्म्स हर एक ग्रुप दो दो वेरिएबल के पेयर बनाया था और पेयर बनाया था इसलिए एक वेरिएबल मिनिमाइज हो गया दो दो वेरिएबल की टर्म्स में आंसर आया अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये सही है कि ये सही है मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी सही है यह भी सही है क्यों क्योंकि यह भी एक दो तीन तीन टर्म्स दो दो वेरिएबल के और इधर भी एक दो तीन तीन टर्म्स दो दो वेरिएबल के यानी ये भी सही है ये भी सही है मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है ये भी सही है और ये भी सही है मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साहिल चंचल किस अब तुम अलग ही साहिल चंचल अभी पढ़ाई चल रही है तुम कहां घर बार पे ध्यान दे रहे हो इधर देखो एक तो इंजीनियर थोड़ा सा भी कुछ मौका नहीं मिलता है पिघल जाता है एकदम से राइट अच्छा अब बात करते हैं इसकी क्या ये मिनिमाइज हुआ है क्या सर ये नहीं हुआ है इसको पेयर के साथ जाना चाहिए था इन दोनों को कंपेयर करोगे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये मिनिमाइज ज्यादा दिख रहा है तो ये क्या है इसको बोलते हैं सेमी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आजकल गेट में क्या होने लग गया समझिए अगर ये तीन ऑप्शन है और मुझे सेलेक्ट करना है तो ये और ये दोनों सही है बट अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है तो फिर मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा राइट right? बहुत ही बढ़िया तो सही आंसर कौन कौन से थे ये सही आंसर था ये सही आंसर है ये सेम ही मिनिमाइज का आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है दोनों दिए तो दोनों सही होगा हर्ष मेरे भाई मेरे दोस्त दोनों सही होगा अरे कोई बात नहीं साहिल अरे कोई ऐसे ही मजाक कर रहा था यार दिल पे मत लेना भाई कोई राइट right. दोनों सही है अच्छा अब एक और क्वेश्चन देता हूं जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जीरो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन अब मैंने बोला इसको करके बताओ भाई क्या आएगा तो देखो एक बार इसको करने के लिए ऐसे ही मजाक कर रहा था साहिल टेंशन मत लो क्लास है यार ये तो चलती रहती है थोड़ी बहुत चीजें और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे हैं बूढ़े हो जाओगे तब ये ए बार ये ए ये बी बार सी बार बी बार सी बी सी तीनों ऑप्शन हो तो ए और बी लगाएंगे एमएसक्यू में अगर तीनों ऑप्शन हो तो ए और बी सही होगा बिल्कुल अब देखो एक चीज अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा सारे कंसेप्ट जो मन में आप लोगों की दुविधाएं आई है ना वो सब जो भी आप लोगों की टेंशन हो रही है सारी दूर हो जाएगी राइट ये जीरो है ये वन है ये टू है थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है। अब देखो एक बार कहां कहां पर दे रखा है जीरो पर है वन पर है थ्री पर है सिक्स अरे यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया ये तो वही क्वेश्चन हो गया इसको तो अभी अभी अपन ने सॉल्व किया तो एक काम कर देते हैं एक फाइव पे भी दे देता हूं अच्छा फाइव पे भी तो है तो सही जीरो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन नहीं नहीं अलग क्वेश्चन है ठीक है अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले उस वन को पकड़ो जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का सबसे पहले मैंने इस वन को पकड़ा इसका तरीका देखा ये एक ही तरीके से जा सकता है ऐसा पहले यूनिक ग्रुप फॉर्म करो इस वन का पकड़ा पहले उस वन को कवर करने की कोशिश करो जिसका एक ही तरीका है क्योंकि वो तो बनेगा ही बनेगा तो पहले मैंने इसको भी देखा तो इसका एक ही तरीका है इसका एक तरीका इसका एक तरीका अब अब देखो, अब देखो अब देखो अब देखो अब बच गया ये दोनों अब सर ये दोनों जो बच गए ना इन दोनों को कैसे कवर करेंगे सर अगर एक क्वाड बना लेते हो ना तो ये सारे कवर हो जाएगा तो मैंने बना दिया एक क्वाड अब देखो पहले सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों सर इसका आंसर ए बार और इधर दोनों में कॉमन क्या है बी बार इसमें ये क्या है सर ये ए का सेल है और इन दोनों में कॉमन क्या है बी तो ए बी और इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या है इसका आंसर क्या आएगा सर ये ए तो चेंज हो रहा है बस इन दोनों में क्या कॉमन है सी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर इसका आंसर आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी देखो एक बार इधर देखो इधर देखो सर तीन ग्रुप बनाए थे इसलिए तीन टर्म्स आए एक दो और तीन तीन ग्रुप बनाए थे इसलिए तीन टर्म्स आए दिखाई दे रहा होगा तीन ग्रुप तो तीन टर्म्स 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 अच्छा पहला पेयर था इसलिए दो वेरिएबल की टोटल एक्सप्रेशन था तीन वेरिएबल का पर चूंकि ये पेयर है इसी वजह से दो वेरिएबल की टर्म्स में आंसर आया एक वेरिएबल को आपने मिनिमाइज कर दिया पेयर आया तो दो वेरिएबल की टर्म्स में आया एक वेरिएबल को आपने मिनिमाइज कर दिया क्वाड बना है क्वाड से दो वेरिएबल मिनिमाइज होता है दो तो एक वेरिएबल की टर्म्स में आंसर आया दो को आपने मिनिमाइज कर दिया तो ए और बी मिनिमाइज हो गया आंसर सी सी की टर्म्स में आया है। और यही मैं बोला था सी कहां से आया सर विवेक यहां से क्वाड बनान ये दो भी बच गए थे ना इन दोनों का बनान देखो ए बार और ए तो चेंज हो रहा है इस क्वाड के लिए ये पिंक वाले के लिए बट ए तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों दोनों का पेयर है चेंज हो गया जो चेंज नहीं होगा वही लिखेंगे इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा है सी इसलिए सी बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यू भी लूंगा 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 राइट रिकी डोंट वरी बिल्कुल 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 अब अगर इतनी चीजें क्लियर है एक क्वेश्चन और देता हूं मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है ये तो जीरो टू फोर सिक्स कहां से आ गया यार इसको ऐसे नहीं बनाएंगे ये है जीरो टू फोर सिक्स तीन वेरिएबल का फंक्शन है इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर एक बार सब बताएंगे क्या आएगा सेमी मिनिमाइज आरजे सेमी मिनिमाइज के भी और भी क्वेश्चन लूंगा डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी सब आएगा मैंने बोला ना सबका बदला लेगा तेरा फैजल सब समझ में आएगा अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे देखो ये ए है ये बी सी जीरो 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 वन 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 और वन जीरो जीरो और वन ये बन गया ए बार ये बन गया ए ये बन गया बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी सी बार अच्छा एक चीज़ देखो भाई एक चीज़ और बता देता हूं चार वेरिएबल नहीं ये तीन ही वेरिएबल का फंक्शन है ये गलती से बन गया एक चीज़ और बता देता हूं आप लोग सुबह आठ बजे आए थे और लगभग साढ़े दस बज गए हैं ढाई घंटे से आप लोग पढ़ रहे हैं राइट मेरे जैसे गंदे शक्ल को देख रहे हो जबकि तीन घंटे के बाद तो पिक्चर ब्रह्मास्त्र पिक्चर में भी लोग बेकार पिक्चर है सर एक घंटे में उठ के निकल गए कि सर दुनिया में आग लगा दूंगा कोई माचिस और लाइटर दे दे बस पर जब बात आती है ना करने की डिटर्मिनेशन की तो वहां पर वो पीछे हट जाता है जब फर्स्ट डे क्लास शुरू हुई जबरदस्त शूट सर

जब तक कि आप एग्जाम ना लिखो यह है सेल्फ कंट्रोल यह है अपनी डिटर्मिनेशन यह इच्छा शक्ति और यह अगर पूरा कर लोगे तो चीजें कर लोगे आजकल के यूथ की मैं खास बार बताऊं बालकनी में खड़े कर दो और उनको बोलो एक घंटे तक नीचे मत देखना बस तू पांच मिनट वो नीचे देखने लग जाएगा जबकि वहां पर कुछ हो नहीं रहा है कुछ दिख दिख भी नहीं रहा है तब भी वो नीचे देखने लग जाएगा पेशेंस लेवल की कमी छोटी छोटी चीजों पर पेशेंस लेवल नहीं होता अब फिर सोचते सर आग लगा दूंगा अब मैं दे दूंगा माचिस और लाइटर तुमको पर कैसे लगा दोगे बताओ डिटर्मिनेशन इच्छा शक्ति राइट right. और इसलिए मैंने बताया ना मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं डिजिटल बेटा ये जीरो वन जीरो वन तो कोई भी आकर यहां पढ़ा जाएगा जीरो वन जीरो वन ही तो है। मेरे जैसे हजारों फैकल्टी है यार डिजिटल पढ़ाने वाले मेरे से बेहतरीन फैकल्टी है डिजिटल पढ़ाने वाले तो यहां पर सिर्फ मैं डिजिटल ही नहीं पढ़ाता हूं जिंदगी जीना भी सिखाता हूं बात समझ मा रही है? गेट के साथ भी और गेट के बाद भी गेट के साथ ये काम आएगा और गेट के बाद जो मैं दो नंबर की छोटी छोटी बातें कर रहा हूं ना वो काम आएगा जिंदगी में बहुत सारी चीजें मौके हैं गेट तो सिर्फ आपकी लाइफ का एक स्टेप है जिस पे आपको पैर रखना है उसके आगे बढ़ना है उसके बाद भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएगी वहां ये छोटी छोटी जो वर्ड बता रहा हूं ना वो काम आएगा राइट बहुत ही बढ़िया अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जीरो टू फोर सिक्स जीरो टू फोर सिक्स की बात करता हूं जीरो यहां है अब देखो पहले लिख लेना मेरे को तो रटा गया है तो मुझे पता ही है पर आप लोग जीरो वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स और सेवन अब देखो कहां कहां पर है बाबू जीरो पर है टू पर है फोर पर है और सिक्स पर है जीरो पे है टू पे फोर और एक चीज और बता देता हूं अगर अपने ऊपर डिटर्मिनेशन नहीं रही ना तो कल आके मेरे को मत बोलना कि सर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन बहुत से बच्चों से मैं पूछता हूं मैं बता देता हूं लिटरली जब सिलेक्शन नहीं होता है तो ब्लेम करते हैं दूसरों को अरे सर कोचिंग बेकार है अरे सर कॉलेज बेकार था अरे सर कॉलेज के मास्टर बेकार थे अरे सर वहां कोचिंग के मास्टर अच्छा है उस कोचिंग के फैकल्टी बेकार अब तुम प्रपंच में फंसे रहते हो जिसको एग्जाम निकाला होता है वो एग्जाम निकाल देता है बिना इसी प्रपंच के आपको एक ही काम करना है डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है प्रपंच क्यों करते हो क्या सोच सोचा है कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा तुम पढ़ो ना मैं कह रहा हूं सबने तुम्हें बेवकूफ बनाया तुमने तुम्हारे आप अपने आप लिए क्या किया ये बताओ तुम भी तो अपने आप को बेवकूफी बना रहे हो बात समझ में आ रही सोच लिया ढाई घंटे तीन घंटे चार घंटे डेली पढ़ूंगा नहीं पढ़ पा रहे हो और नहीं पढ़ पा रहे हो तो इतिहास कैसे रचोगे तो थोड़ा कंट्रोल 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 सोचा ये करना है करके दिखाएंगे बस अब देखो इधर अब अगर इधर बात करता हूं सर ये दोनों भी पड़ोसी होते हैं सर क्वाड बना दो सर क्वाड बना दो सर इसका और इसका और जब क्वाड बना दिया तो इसका आंसर क्या आएगा सी बार बहुत बढ़िया कि सर ए बार ए चेंज इन दोनों में कॉमन क्या इन दोनों में कॉमन क्या सी बार तो इसका आंसर ही एक ही होगा क्या सी बार देखो क्वाड बनाने से कितने वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं सर क्वाड बनाने से दो वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं तो देखो तीन वेरिएबल का फंक्शन है आंसर आया सी बार एक ही ग्रुप था इसलिए एक टर्म आया। और दो वेरिएबल मिनिमाइज हो गए इसलिए एक ही वेरिएबल आया बहुत ही बढ़िया अब इतनी चीज़ें क्लियर है थोड़ा सा आगे एक और क्वेश्चन चार वेरिएबल का ये है आपके पास ए बी सी डी जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो ये आपके पास ए बार बी बार ये आपके पास ए बार बी ये आपके पास ए बी ये आपके पास ए बी बार ये आपके पास है सी बार डी बार ये आपके पास सी बार डी ये आपके पास सी डी ये आपके पास सी डी बार राइट बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब अगर मैं डिस्कशन करता हूं आगे अब अगर मैं डिस्कशन करता हूं आगे देखो ए बी सी डी ये इसको करते हैं तो देखो ये आपको पता ही है क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये एट नाइन ये टेन इलेवन ये ट्वेल्व ये थर्टीन और ये फोर्टीन ये सेल में कैसे वैल्यू आएगी ये मैंने पहले ही बता चुका हूं राइट फिफ्टीन बहुत ही बढ़िया सर टाइम सुबह साढ़े सात बजे अभी बेटा यही रहेगा कुछ दिन बाद अपन ट्राई कर लेंगे है ना कोई दिक्कत नहीं अब देखो कहां कहां पर दे रखा है वन बेटा सर जीरो पे दे रखा है बिल्कुल मिनिमम में दे रखा है इसलिए वन लिख रहा हूं वन आगे कहां टू पे आगे कहां दे रखा है फोर पे आगे कहां दे रखा है सिक्स पे टेन टेन के बाद इलेवन इलेवन के बाद थर्टीन के बाद फिफ्टीन ये क्वेश्चन दे रखा है और यही क्वेश्चन दे रखा है अब देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले उसका ग्रुप बनाओ सबसे पहले उसका ग्रुप बनाओ जिसके एक ही तरीका हो बनाने का अब देखो सबसे पहले एक ही तरीका बनाने का तरीका हो उसका ग्रुप बनाओ कैसे बना सकते हो देखो दिखाई दे रहा है एक क्वाड दिखाई दे रहा है सबको अरे सबको दिखाई दे रहा है क्वाड आकाश समझ सकता हूं पर कुछ दिन सेमी मिनिमाइज भी बताऊंगा समाउ बताऊंगा नथिंग कोई दिक्कत नहीं बेटा नाम भी बता दो एक पेयर बनेगा ये, एक पेयर बनेगा ये, खत्म हो गया खेल आंसर ही आ गया इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सीधा सीधा बता देता हूं एक ये बन गया क्वाड एक ये बन गया पेयर ये बन गया पेयर ये जो क्वाड बना है उसका आंसर क्या आएगा देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर इन दोनों में ए बार कॉमन है इन दोनों में ए बार कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है सर डी बार कॉमन है इन दोनों में डी बार तो ए बार डी बार ये येलो वाले में इसमें क्या है ये सर ये सेल है ए बी का पूरा ए बी इन दोनों में कॉमन क्या है डी तो ए बी डी इसको लिखोगे ये क्या है सर इधर से ए बी बार का सेल है और इन दोनों में कॉमन क्या है सर सी देखो सी कॉमन है तो आंसर आएगा ए बार डी बार प्लस ए बी डी प्लस ए बी बार सी कितने लोग हैं आप में से जिनका यही आंसर आया एक बार बता दो यार कमेंट बॉक्स में अभी नि निरुपम अभी डिस्कशन करेंगे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कंसेप्ट का रूल एक ही है यार कम से कम ग्रुप बनाना है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है आमीन फ्रॉम कश्मीर ओके 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 बिल्कुल अरे किस किस का ही आ गया एक बार बता दो यार कि सर बिल्कुल ये। अब देखो चूंकि तीन ग्रुप बने थे इसलिए तीन टर्म आया। चार वेरिएबल का फंक्शन है चार वेरिएबल का फंक्शन है तो पेयर क्वाड बनाने से दो वेरिएबल मिनिमाइज होता है इसलिए आंसर दो वेरिएबल की टर्म्स में दो को मिनिमाइज कर दिया चार वेरिएबल का फंक्शन था दो मिनिमाइज हो गया चार माइनस दो दो आया पेयर बनाने से एक वेरिएबल मिनिमाइज होता है चार वेरिएबल का फंक्शन था इसलिए तीन वेरिएबल में आया एक वेरिएबल को मिनिमाइज कर दिया एक वेरिएबल को मिनिमाइज कर दिया बहुत ही बढ़िया अरे यार तुम लड़ो वड़ो मत भाई कोई भी यहां पे एक चैट बॉक्स में यार हमें इतिहास रचना ऐसे लड़ लड़ के क्या करोगे यार अंग्रेजों ने राज कर लिया हमको ऐसे लड़ा लड़ा के तो ये रिकॉर्ड नहीं है फोर लॉग रिकॉर्डेड नहीं है बेटा लाइव है अब देखो इधर अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट ए बी सी डी जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो राइट अच्छा अब देखो ये चीज इधर क्या है सर ये ए बार बी बार इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके बताइए सब के सब क्या आंसर आ रहा है ए बार बी ए बी ए बी बार सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार अच्छा इधर अगर मैं डिस्कशन करता हूँ दोस्तों ये तो जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन अब समझिएगा हाँ कर सकते हो आरजे पर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी यहीं पर सारी चीज़ें दिख जाएगी अब देखो सर डीपीपी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दीजिएगा ओके okay, रजनी एक बार देखते पहले एक बार इसको है ना? फिर पूछ लेंगे जीरो पर ये रहा आगे क्या है वन पर फिर टू फिर थ्री नहीं फोर सिक्स सेवन नाइन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ये क्वेश्चन है अब अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो देखो बाबू इसको ध्यान से देखो सर एट टू ट्वेल्व जीरो वन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्रैश कोर्स द मिनिट फॉर्मूला वुड बीज वुड बीन उसको अभी एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ कि क्यों माइनस और प्लस का कहाँ डिफरेंस आता है कहाँ यूज़ करना होता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं अभी देखो एक बार इधर ठीक बहुत ही बढ़िया अब इधर देखो एक बार समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले उस वन को पकड़ना है जिसका एक ही तरीका है बाबू ग्रुप बनाने का सबसे पहले उस वन को पकड़ो सबसे पहले उस वन को पकड़ो जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का तो देखो मैं सबसे पहले इस वन को पकड़ रहा हूं यह वन एक क्वाड के साथ ही जाएगा यह वन जो है वो एक क्वाड के साथ ही जाएगा बिल्कुल सही बात है सर क्वाड के साथ जा रहा है अच्छा अब बात करते हैं देखो ये चीज हो गया अच्छा जी सर ये भी क्लियर हो गया अब इस इस वन की बात करूंगा ये भी दोनों क्वाड के साथ देखो एक ये और ये क्वाड के साथ जाएगा जैसे इसकी बात करोगे तो पैर के साथ भी जा रहा है पर क्वाड के साथ जाएगा तो इसको मैं बना देता हूं क्वाड के साथ कवर हो गया क्वाड के साथ बिल्कुल सही बात है सर अब देखो बिल्कुल सही बात है अब देखो अब क्या बच गया अब क्या बच गया समझने की कोशिश करना अब क्या बच गया सर अब बच गया आपके पास एक तो ये वन बच गया है और एक ये वन और एक ये वन बच गया है ठीक इन दोनों को अगर मैं बनाऊंगा तो ये तो पेयर के साथ चला गया नहीं नहीं पेयर के साथ क्यों जाएगा जब ये क्वाड के साथ जा रहा है तो और ये दोनों जो है वो पेयर के साथ चला गया खत्म किस किस का यही ग्रुप बना है कि सर दो एक पेयर तीन क्वाड एक पेयर तीन क्वाड किस किस का यही आया कीर्ति गुप्ता जी आपने शायद इसको पेयर ले लिया है जबकि ये क्वाड के साथ जा सकता क्वाड के साथ बन रहा है तो ज्यादा वेरिएबल क्वाड के साथ होगा इसका मतलब इसका आंसर जब लिखोगे तो बनेगा ए बी पिंक वाले का जब आंसर बनाओगे तो ये बनेगा ए बार और इधर बनेगा डी बार जब येलो वाले के साथ बनाओगे तो बनेगा B और इन दोनों में कॉमन है C और इसका जब बनाओगे तो ये बनेगा इन दोनों में कॉमन क्या है B बार और ये सेल किसका है C बार D यानी जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड A बार D बार प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी बार C बार D किस किस का यही बना एक बार जल्दी से बता दो क्वारी लिया सर ओके तो कीर्ति आपका फिर वो दो तीन वेरिएबल के और दो दो वेरिएबल के कैसे आ रहे थे तीन यानी आप लोग मान लीजिए इसके अलावा भी कुछ ग्रुप बना सकते होंगे मान लीजिए आपने बनाया होगा बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर में तीन टर्म्स दो वेरिएबल के और एक टर्म्स तीन वेरिएबल का आ रहा है तो आपका आंसर सही है यलो वाले को अगर पेयर लेते हो तो फायदा किसमें है पेयर में कि क्वाड में है भाई ये पेयर के साथ भी जा सकता है क्वाड के साथ भी जा सकता है एक टर्म तो आएगा आएगा चाहे पेयर बनाओ चाहे क्वाड बनाए एक टर्म तो आएगा ही आएगा अब जब वो एक टर्म आ रहा है तो हम चाहेंगे ना कि उस टर्म में कम वेरिएबल आए और अगर हम चाहेंगे उस टर्म में कम वेरिएबल आए तो ग्रुप बड़ा बना दो इसलिए ग्रुप बना बना दिया फिफ्टीन बैच आई एम फर्स्ट ईयर ओके ओके बहुत बढ़िया अगर इतनी चीजें क्लियर है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर इतनी चीजें क्लियर है सेम सर सेम सर सेम सर चमका अरे बेटा चमका नहीं चमका एक बार सबके सब बता दो यार और अगर इतना चीजें क्लियर है तो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ सबके सब इस क्वेश्चन को करके बता दो सबके सब ए बी सी डी जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो ये बन गया बाबू ए बार बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार ये बन गया सी बार डी बार सी बार डी सी डी और ये बन गया सी डी बार नहीं नहीं आगे पीछे हो गया तो वही गलत नहीं है कोई दिक्कत नहीं ग्रुप उतने ही बनने चाहिए जो मैं बना रहा हूँ टर्म्स उतने ही आने चाहिए बस पिंक वाले को पिंक वाले को क्या करना बेटा पिंक को क्या करूं पिंक को क्या व्हाइट कलर से बना दूं <laughs> पिंक का पेड़ नहीं बना सकते क्वाड के साथ जा रहा है ना अब इधर तो रिडनेंसी आ जा जाएगी ऑलरेडी कवर हो चुका है अब देखो इस क्वेश्चन को बनाओगे ये क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन राइट यही बनेगा बिल्कुल सही पीडब्ल्यू की तो हजार बच्चों के लिए, लिए पेड फ्री टेस्ट सीरीज आएगी हाँ बिल्कुल आएगा 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 पीयूष आएगा 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 टेंशन लो। फुल सिलेबस का आएगा अब देखो बाबू कहाँ कहाँ पर है वन पर है फाइव पर है सिक्स पर है सेवन पर है इलेवन पे है ट्वेल्व पे इलेवन पर है ट्वेल्व पे है 12 थर्टीन पर है और फिफ्टीन पर यह दे रखा है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके बता दो कितना बनना है एक क्वाड और चार पेयर एक क्वाड और चार पेयर बहुत बढ़िया एक बार जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का बता दो रूल भूल गए बेसिक रूल भूल गए बेसिक, बेसिक रूल क्या था कि कम से कम सीजे बाबा रूल बेसिक अच्छा एक बार मुझे बताओ मिनिमाइजेशन के रूल का नाम क्या था एक बार कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ चला दो सीजे बाबा रूल क्या था वो एवरीवन ताकि आप लोगों के दिमाग में छक भी जाए सीजे बाबा रूल कम से कम ग्रुप बनाना है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप बनाने से क्या होगा टर्म्स मिनिमाइज होगा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने से क्या होगा वेरिएबल मिनिमाइज होगा यही तो था तो इधर देखो एक बार सबसे पहले उस वन का ग्रुप बनाने की कोशिश करो सबसे पहले उस वन को पकड़ो जिसका एक ही तरीका है बनाने का पहले ऐसा नहीं कि बड़ा ग्रुप बनाने लग जाओ रूल यह था कम से कम ग्रुप और फिर था बड़े से बड़ा ग्रुप यानी पहले सबसे पहले यूनिक ग्रुप बनाने सबसे पहले उस वन का ग्रुप बनाओ जिसके एक ही तरीका है बनाने का अगर ऐसे करता हूं बहुत ही बढ़िया अरे एक तो हैशटैग ही नहीं चल रहा यार सीजे बाबा रूल का हैशटैग ही नहीं चल रहा है बहुत ही बढ़िया अब देखो एक चीज सबसे पहले अगर ग्रुप बनाना है तो देखो सबसे पहले मैं कैसे बनाता हूं समझो सबसे पहले इस वन का एक ही सबसे पहले मैं उस वन को बना रहा हूं जिसका एक ही तरीका है ग्रुप बनाने का अब जब मैंने सारे यूनिक ग्रुप बना दिए अब जब मैंने सारे यूनिक ग्रुप बना दिए तो खेल ही खत्म हो गया अब एक बड़ा ग्रुप तो दिख रहा है पर उस बड़े ग्रुप को क्यों बनाऊं जब सारे वन ऑलरेडी कवर हो गए देखो सारे के सारे वन ऑलरेडी कवर हो गए अब जब सारे वन कवर हो गए और आप जबरदस्ती एक बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हो तो जबरदस्ती एक टर्म से लेके आते हो जबकि उसको लिखने की जरूरत नहीं सारे वन ऑलरेडी यूनिक ग्रुप बनाने से कवर हो गए राइट इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर आएगा इन दोनों में कॉमन क्या है ए बार सी बार डी इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों में ये किसका ए बी और इन दोनों में कॉमन क्या है सी बार इसका आंसर क्या आएगा ये क्या है ए बार बी ए बार बी और इन दोनों में कॉमन क्या है सी इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों में क्या है ए और इधर क्या आएगा सी डी इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी डी यही आंसर आएगा अच्छा कोई आपने से इसके अंदर बी डी भी अगर लिखता है इसका पेयर बना के राइट क्वाड बना के तो अननेसेसरी आपको एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा जबको उसको लिखने की जरूरत नहीं है सर किए मैप आपका आंसर सही है कैसे पता किशोर वही तो बता रहा हूं सबसे पहले एक ही काम करना है यूनिक ग्रुप बनाने हैं यूनिक ग्रुप बनाने के बाद जो वन बच जाता है उसमें बड़ा से बड़ा ग्रुप पे जाना है ठीक है किशोर भाई और थोड़े से प्रैक्टिस और करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी अंशुल संडे को नहीं होगी बेटा क्लास मंडे टू सैटरडे संडे एक दिन प्रैक्टिस के लिए रिवीजन के लिए भी चाहिए होगा आपको और संडे को वैसे भी टेस्ट लेंगे हम राइट बी डी है बिल्कुल 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 आ गया सर मजा अरे मजा आया मजा आया मजा आया बहुत बढ़िया अब देखो क्वेश्चन में कितनी बार आपको डोंट केयर दे रखा होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा डोंट केयर दे रखा होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा सबसे खास बात ये डोंट केयर होता है, क्या है सर क्वेश्चन में जब डोंट केयर दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो सर जब क्वेश्चन में डोंट केयर दे रखा हो तब उसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले देखो डोंट केयर का क्या मतलब है जैसे मैं लिखा ए बी और मैंने आपको लिख दिया ए बार बी बार प्लस ए बार बी और मान लीजिए मैंने लिखा ए बी और मैं बोल रहा हूं ये वो कॉम्बिनेशन है इनपुट का क्योंकि बुलियन फंक्शन होता क्या है ए और बी कुछ नहीं ये ए और बी कुछ नहीं ये इनपुट्स हैं ये ए और बी कुछ नहीं ये क्या है ये इनपुट्स हैं और ये ए बी क्या है ये क्या बना रहा है ये टोटल कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है सर कॉम्बिनेशन मिलकर आउटपुट बना रहा है इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब दोस्तों कि सर डोंट केयर इनपुट के वो कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट के वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक्सप्रेशन में लिख दो तब भी ठीक है और हटा दो तब भी ठीक है यानी द वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिसका एक्सप्रेशन में लिखने और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे कॉम्बिनेशन को हमेशा हम डोंट केयर की तरह ट्रीट करते हैं यानी वो अगर आपको लिखने पे हेल्प कर रहा है मिनिमाइजेशन के लिए तो लिख लो नहीं हेल्प कर रहा है हटा दो ऐसे एक्सप्रेशन को हम डोंट केयर बोलते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन को डोंट केयर बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन विच द आउटपुट मे और मे नोट डिपेंड्स आर कॉल नथिंग इट इज जस्ट डोंट केयर अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे डोंट केयर का रखा होगा तो अब इसके लिए एक तरीका यूज करना है समझो 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 एक बार समझो यार इसको ऐसे समझो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं कुछ खासम खास एकदम जिगरी होते हैं ये जिगरी और कुछ डोंट केयर टाइप दोस्त होते हैं डोंट केयर टाइप दोस्त का क्या मतलब है वो हमारी लाइफ में रहे तब भी ठीक है नहीं रहे तब भी ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हां जिगरी जो है वो होना चाहिए लाइफ में बाकी कुछ लोग रहे तब भी ठीक है नहीं रहे तब भी ठीक है ऐसे यहां पर भी डोंट केयर है वही अब मान लो कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले किससे पैसे मांगोगे आपको सबसे कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले किससे पैसे मांगोगे सर सबसे पहले हम मांगेंगे अपने जिगरी लोगों से उनके पास पैसा वो दे देंगे वो तैयार रहते देने के लिए बट अगर उनके पास नहीं है तो तो हम मांगेंगे डोंट केयर वाले दोस्त से राइट बट हम डोंट केयर से हेल्प ही तब मांगेंगे जब हमारे फ्रेंड हमारी हेल्प नहीं कर रहा है यह हमको बहुत ज्यादा अर्जेंट हो यही होता है बट कभी अगर डोंट केयर वाले दोस्त को पैसे की जरूरत हो तो तो सर हम नहीं देंगे राइट हाँ हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे यही है डोंट केयर बात समझ में आ रही। इसका मतलब डोंट केयर सिर्फ आपकी हेल्प करता है बड़ा ग्रुप बनाने में अगर वो मिनिमाइज करने में आपको जरूरत भी नहीं है जबरदस्ती हम उसका शोषण करने के लिए ले रहे हैं आपको पैसे की जरूरत है आप जबरदस्ती उधारी मांग रहे हो डोंट केयर से नहीं जब जरूरत हो तभी ऐसा करेंगे सर कैसे तो समझो जैसे ये दिया है। तीन वेरिएबल का इसमें ये तीनों टर्म्स हैं और ये तीन जो है ये डोंट केयर है वन सिक्स सेवन अब कैसे सॉल्व करेंगे जीरो प्लस बिल्कुल अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे देखो हां आर जे जैसे कि एक्स बहुत ही बढ़िया जैसे आपने लिखा ये जीरो था ये मैं बता देता हूं ये ए बार है ये ए है ये बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार अब देखो बाबू इधर क्या है सर जीरो टू थ्री तो ये जीरो पर है इधर लिख भी देता हूँ जीरो वन टू थ्री ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए फोर फाइव सिक्स और सेवन अब देखो कहाँ कहाँ पर दे रखा है देखो बाबू ये दे रखा है जीरो पर एक ठीक है और टू पर दे रखा है ये रहा वन टू पर थ्री पर दे रखा है वन ये ले, ले लिया फोर पे दे रखा है वन ये ले लिया डोंट केयर कहां कहां दे रखा है वन पर दे रखा है डोंट केयर को क्रॉस से बना दो या डी से बना दो ये आपकी चॉइस है राइट right? अच्छा सिक्स पर दे रखा है बिल्कुल सही और सेवन पे दे रखा है बिल्कुल सही ये डोंट केयर दे रखा है ठीक अब हमें क्या करना है सर हमें सॉल्व करना है अब देखो दोस्तों सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो सबसे बड़ा रूल तो वो रूल है डोंट केयर आ गया तो क्या रूल चेंज हो जाएगा क्या रूल वही है कि सर कम से कम ग्रुप बनाना है बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कम से कम ग्रुप बनाना है कैसे तो देखो एक बार कि सर इस वन को सबसे पहले यूनिक वन तक ढूंढो, राइट अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं जैसे एक और तरीका बता देता हूं, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। देखो मेरी नजर से इस क्वेश्चन को देखना बेटा मेरी नजर से तुम देखो तो नजर आए तो ये कंसेप्ट आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो सर सबसे पहले मुझे क्वाड बनाना है, देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं मैंने बना दिया एक ये एक ये खत्म एक तो बनेगा ही ये क्वाड बिल्कुल सही बात है सर अच्छा एक को और तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूं ये वन जो बच गया अब इसको या तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं और इसके साथ भी ले सकता हूं ये आपकी चॉइस है मैंने ऐसा ले लिया तो देखो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर इसका आंसर बनेगा बी और इस ग्रीन वाले का आंसर क्या बनेगा इन दोनों में क्या कॉमन है सी बार तो आंसर बन गया बी बार सॉरी बी प्लस सी बार ये आंसर बन गया बी प्लस सी बार कोई ऐसे भी बना सकता है कि सर मैंने ले लिया एक ऐसा राइट right. और एक ऐसा तो उस केस में आंसर क्या बनेगा पिंक वाले का तो आंसर बन गया सी बार और इसका आंसर बन गया ए बार ए बार प्लस सी बार ए बार प्लस सी बार अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये सही है कि वो सही है मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि इसके पास भी दो वेरिएबल के बीच में प्लस आ रहा है दो वेरिएबल के बीच में वेरिएबल और टर्म्स की को नजर रखते हुए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों सही है बट इसमें हमने इस डोंट केयर को वन की तरह ट्रीट किया है इस डोंट केयर को हमने जीरो माना है इसलिए ग्रुप में नहीं आया यहां हमने इस डोंट केयर को वन की तरह ट्रीट किया है इस डोंट केयर को जीरो माना है ये डोंट केयर वन और वन तो दोनों केस में था इसका मतलब बोथ आर करेक्ट इसका मतलब ये हमारी चॉइस है कि हम डोंट केयर अगर हमें बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो हमने ले लिया है, हमने इसकी भी हेल्प ले ली आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा था इसका भी लिया था तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा था सिंपल खेल हो गया अब देखो बेटा खेला हो है। एक नोट एक्स्ट्रा है एक नोट एक्स्ट्रा है कहां नोट एक्स्ट्रा है सही है राइट अब देखो बिल्कुल यूनिक वाला ही ढूंढा मैंने इस वन को देखोगे ना सबसे पहले ये ग्रुप के साथ जा रहा है अब देखो वो तो तरीका इसमें भी वही लगेगा अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया है इसको सॉल्व करके बताओ बेटा लेंगे तो स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं बिकॉज नहीं 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 डोंट केयर रिटेनेंट होगा तो उसको फिर स्मॉल ग्रुप बना सकते हो अगर डोंट केयर की जरूरत नहीं है जैसे एक क्वेश्चन और देख के बता देता हूं इधर देखो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया एक बार एकदम देखो एक बार एक क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे देता हूं एक बार एक और क्वेश्चन दे देता हूं बाबू समझो ये ए है ये बी सी है एक और समझो थोड़ी चीजें जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो और वन ये ए बार ये ए ये बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार अब देखो एक बार समझो मान लो मैंने दिया एक वन यहां एक वन वहां यहां ये यह डोंट केयर ये वन और ये वन अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि और डोंट केयर आपको क्लियर हो जाए अच्छे से ए बी सी जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो वन ए बार ए बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी सी बार वन 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 डोंट केयर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है समझिएगा अब देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैंने रूल वही था सबसे पहले उस ग्रुप को बनाना है जिसके यूनिक तरीका है मैंने सबसे पहले इसको है पकड़ा और मैंने सबसे पहले इसको पकड़ा इसको ग्रुप बनाने का यही तरीका था इसका ग्रुप बनाने का वही तरीका था जब दोनों ही तरीके से कवर हो गए तो हमें इसकी जबरदस्ती मदद नहीं करी हमें मदद की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि सारे वन कवर हो गए वन को बड़ा ग्रुप बनाने में वो हेल्प कर रहा था जहां तो वन बिना उसके हेल्प कहीं बन गया तो उसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंटी इसका आंसर बनेगा ए बार बी बार ये बन गया ए बी इसका मतलब हमने इस डोंट केयर को जीरो की तरह ट्रीट किया टेकन एज ए जीरो राइट अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक वही एक ये बन गया अब जबरदस्ती इसकी मदद नहीं करनी की सर इसकी भी मदद कर दो सर ये सर ये अकेला पड़ गया सर हेल्प कर दो सर मदद कर दो सर इसकी सर ऐसे मत करो सर मैं बहुत दिल का बड़ा आदमी हूं सर मैं इसकी मदद कर, अब ऐसे नहीं रखना है हो गया अपना वन से खेल है वन की हेल्प कर रहा है तो ठीक जबरदस्ती हेल्प नहीं करना जरूरत ही नहीं थी ये बार खत्म इन दोनों केस में मैंने वो लिया इस केस में इसकी रिक्वायरमेंट हेल्प की थी बड़ा ग्रुप बनाने में तो ले लिया इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमने नहीं लिया खत्म हो गया खेल अब बताओ क्लियर है क्या थोड़ा डोंट केयर कहां यूज करना है कहां नहीं यूज करना है क्लियर है क्या एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो ये वन एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो यार ये सो नो एवरीवन जल्दी 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 बाबा जल्दी, जल्दी, जल्दी रे मेरे भाई जल्दी 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 से एक बार सबके सब मुझे कमेंट बॉक्स में सबका चाहिए यार और चीजें अगर क्लियर हो रही है तो एक बार सबके सब बता भी देंगे हाउ जो जोश एवरीवन क्योंकि तीन घंटे हो गए बट पार्टी अभी बाकी है राइट right? तो चमका 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 और जोश कैसा है रे मेरे दोस्तों बाबू बता दो जल्दी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लल्लन टॉप बहुत बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर अगर डोंट केयर लेने से बिगर ग्रुप बनता है तो हाँ अगर डोंट केयर लेने से बड़ा ग्रुप बनता है तो लो यहां बड़ा नहीं बन रहा था ना तो नहीं लिया इधर बन रहा था तो इसको ले लिया बहुत ही बढ़िया स्टेटस 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 हाई बहुत बढ़िया सीजे बाबा रॉकस बहुत बढ़िया खतरनाक 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 इतनी चीजें क्लियर अब अगर इतनी चीजें क्लियर है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ने के बाद एसओपी और पीओएस फॉर्म में भी मुझे सॉल्व करना है पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए अरे करोगे क्या सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए क्लास के बाद वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर राइट right? और सबको करना है नहीं तो वचन दे दूंगा ऐसे करके कि सर मैं वचन देता हूं कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं डाला तो मेरा ब्रेकअप हो जाए ऐसे सबको वचन भी देना है राइट right? अब थोड़ा सा अब एक अब इसके अंदर दो चीजें और बची हैं एक बचा है कि सर अगर पीओएस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और एक इंप्लीकेंट प्राइम इंप्लीकेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये कल की क्लास में देखेंगे पर डीपीपी आज जल्दी से करा देता हूं डीपीपी जल्दी से करा देता हूं भाई देखो पीओएस के भी लेके आया था एसओपी के लिए भी ले लेके आया था ना क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होमवर्क ही दे रहा हूं क्वेश्चन इंप्लीकेंट प्राइम इंप्लीकेंट भी कराना था पर वो कल करा देंगे है ना सर हम सिंगल है अरे जो सिंगल है उनका पहले पैचअप होगा फिर ब्रेकअप होगा हाँ पता चला बहुत सारे बच्चे एकदम टेंशन में हो गए खुश हो गए पर सिंगल थे कम से कम इसी बहाने पैचअप तो होगा राइट बस अब देखो क्वेश्चन अब बताओ आप पहले डीपीपी अभी कराऊं कल कराऊं डीपीपी करा देता हूं यार जल्दी से हिंट देता हिंट देता जाता हूं एक बार समझो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो यह बनेगा एफ का जो आंसर निकालोगे बनेगा एक्स डॉट वाई का होल बार यह एक्जोर है एक्स प्लस वाई इसको ऐसे सॉल्व करना है हिंट देता रहता हूं थोड़ा ध्यान से समझना हिंट देता रहना सीएस वालों को नहीं मिली है सीएस वालों को ही मिलेगी यार इसको सब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x डॉट इसको f जो बनाओगे ये ऐसा बनेगा x एक्स और y तो इसका बार डॉट इसका बार ये इसको ओपन करोगे तो प्लस ये डॉट ये एक्सपेंड कर दो तो ये बनेगा ये और इसको बनाने के लिए गेट ही तो है इसको बनाने के लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी सर एक ही तो गेट की रिक्वायरमेंट होगी तो आंसर होगा वन इसका आंसर वन होगा वन डीपीपी नेक्स्ट क्लास में ओके okay, चलो डीपीपी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे सारी कल की क्लास में करा देंगे कोई दिक्कत नहीं एक बार पहले मुझे कल के क्लास में करा तो दूंगा एक बार इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो सबके सब पहले कमेंट बॉक्स में दिव्यांशु लिखना है सर डीपीपी कल प्लीज ओके okay, बस इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो बाकी का डीपीपी कल कराएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दो डीपी का डीपीपी ऐप में मिलेगा बाबू ऐप में एक बार इसका आंसर बता दो जल्दी से सबके सब, के सब. इसका आंसर कि सर एफ ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी को मिनिमाइज करने के लिए कितने मतलब इसको बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नाइंडी गेट की रिक्वायरमेंट होगी सर इसको जल्दी से एक बार सबके सब कमेंट बॉक्स में सर जीरो जीरो क्यों जीरो इसलिए दोस्तों क्योंकि सबसे पहले फंक्शन को मिनिमाइज करोगे तो ए कॉमन ले लोगे तो बनेगा वन प्लस बी प्लस बी सी और वन ऑरिंग एनीथिंग विल बी वन अब अगर ए है ए इनपुट है आपको आउटपुट में लेना है तो इनपुट में ए है सीधा तार लगाओ खींच के आउटपुट में ले आओ कोई इंडिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसलिए आंसर विल बी जीरो आंसर विल बी जीरो बहुत बढ़िया तो ये मैंने कुछ चीजें डिस्कशन करी डीपीपी कल डिस्कशन करेंगे पीओ फॉर्म वाला कल डिस्कशन करेंगे इंप्लीकेंट कल डिस्कशन करेंगे पर जाते जाते छोटी छोटी मगर मोटी बातें राइट एक छोटी सी चीज समझाता हूं आपको शायद हो सकता है कि जिंदगी में काम आ जाए कहीं ना कहीं राइट हमेशा ध्यान रखिएगा और वो क्या चीज है वो भी थोड़ा सा यहां तक क्लियर है क्या सबको एक बार पहले ये सब चीजें क्लियर है राइट right? ओके okay. एक बार क्या एक छोटू था और एक पतलू था एक बार क्या था एक मोटू था और एक पतलू था ठीक एक बार एक मोटू था और एक पतलू था अब मोटू और पतलू की क्या खास बात थी थी मोटू का जो वजन था ना वो था लगभग 100 किलो मोटू का जो वजन था बाबू वो था लगभग सौ किलो और जो पतलू का वजन था वो लगभग दस के जी दो दोस्त थे एक था मोटू एक था पतलू मोटू का वजन सौ किलो पतलू का वजन दस किलो दोनों घनिष्ठ मित्र दोनों घनिष्ठ मित्र ऐप पे मिलेगा राइट अच्छा दोनों घनिष्ठ मित्र अब दोनों क्या कर रहे थे खेल रहे थे आराम से खेलते खेलते एक बार क्या हुआ गांव से थोड़े से दूर निकल गए और उसमें गलती से मोटू कुएं में गिर गया अब जब मोटू कुएं में गिर गया सौ किलो का बच्चा कुएं में गिर गया तो जो पत्तू है वो बहुत ही परेशान हो गया वो इधर उधर चिल्लाया राइट इधर उधर ढूंढा पर कोई था ही नहीं अब मोटू पतलू को ये लग गया कि मोटू अब चल बसेगा तो पत्तू को कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था उसने फटाफट वो जो बाल्टी होती है ना रस्सी जो कुएं में लगी होती है उसको नीचे डाला और मोटू को बोला पकड़ ले मोटू इसको मोटू ने पकड़ा और पूरी जी जान लगा कि वो खींचता रहा खींचता रहा खींचता रहा और जैसे तैसे खींचकर उसको बाहर ले आया अब जब बाहर लेके आ गया तो दोनों घर गए मोटू ने अपने घर पे बताया कि ऐसी सी बात है मैं कुएं में गिर गया और पतलू ने मुझे ऐसे खींच के बाहर निकाला घर वाले हंसल के पागल हो गया तू वो तू सौ किलो का वो दस किलो का दस किलो का बच्चा कोई सौ किलो के बच्चे को कोई खींच सकता है क्या बेवकूफ बना रहा है तू तो। पतलू ने भी अपने घर पर जाके बोला कि मोटू ऐसे कुएं में गिर गया मैंने खींच लिया उसके घर वाले ने मजाक बनाया ऐसी बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लग गई और सब ये मोटू और पतलू का क्या मजाक बनाने लगे तब उस गांव में एक बंदा था जिसका नाम था करीम चाचा सब उसकी बात मानते थे सारे गांव वाले उसके पास पहुंचे और बोले ऐसी सी बात है कि एक छोटा बच्चा है मोटू पतलू और वो बोल रहा है कि जो मोटू है जो सौ किलो का है वो कुएं में गिर गया था पतलू ने रस्सी डाल के ऐसे उसको खींच लिया क्या ये पॉसिबल है कि दस किलो का बच्चा सौ किलो के बच्चे को खींच ले तो करीम चाचा ने बोला कि क्या तुम में से कोई वहां मौजूद था बोला सर नहीं था बोला अगर तुम में से कोई मौजूद नहीं था तो यह पॉसिबल है क्योंकि उसके पास होप नहीं थी उसके पास उम्मीद नहीं थी और उसको पता था कि उसने अगर एफर्ट नहीं डाला तो मोटू जो है वो चल बसेगा और जिंदगी में जब भी कभी बात जीने मरने की आ जाती है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर सको पर दिक्कत क्या है इतनी शिद्दत ही नहीं तो हम दूसरों के भरोसे चलते हैं हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं रादर देन सेल्फ डिपेंडेंट के हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं जबकि हमारी खुद से अपेक्षा नहीं होती और जिंदगी में सफल होने के लिए ध्यान रखना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां अपने ऊपर विश्वास रखो यहां कॉन्फिडेंस होना चाहिए राइट यहां और एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं जंगल का राजा कौन है सर शेर जंगल का राजा कौन है शेर जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है सर जंगल में सबसे बड़ा जानवर है हाथी जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा है सर जंगल में सबसे लंबा जानवर होता है जिराफ जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है सर जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है चीता पर जंगल का राजा फिर भी कौन कौन होता है सर जी, जी, आ, जंगल का राजा है शेर ना शेर सबसे तेज दौड़ता है ना शेर सबसे बड़ा जानवर है ना शेर सबसे लंबा जानवर है फिर भी जंगल का राजा है शेर क्यों क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है जिगर है उसको पता है एक शेर को कि जिस दिन सारा झपट्टा मारूंगा हाथी को भी पलट दूंगा और ये कॉन्फिडेंस ही उसको जंगल का राजा बनाता है लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा यहां से पहले जीतो जो यहां से नहीं जीत पाया ना जो अपने आप को नहीं जीत पाया ना दुनिया को क्या खाक जीतेगा तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखिए रादर देन किसी और के ऊपर विश्वास रखने का राइट सो गाइड सी यू टुमोरो कल मिलते हैं इसी समय आठ बजे इसी चैनल पर बेहतरीन सेशन के साथ और वो सेशन होगा मल्टीप्लेक्सर और आज का थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक कराऊंगा और मत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो उस टॉपिक को अटेंड करना मत भूलना आठ बजे अपने सारे दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना कि आठ बजे सुबह गेट वाला चैनल चे, पर इतिहास रचा जा रहा है राइट सो थैंक यू एवरी थैंक यू टेक केयर बाय बाय थैंक यू ध्यान रखिएगा अपना राइट एवरी और आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं राइट थैंक यू एवरी वन सी यू टुमॉरोट एट ओ क्लॉक थैंक यू